उस पे आज मलिश्का की बातें मेरे दिमाग को मालिश करने लगी। तभी मैंने सोचा कि बस्ती की सोच को बदलने के लिए मेरे को भी रेडियो स्टेशन खोलना चाहिए। फिर क्या था, गुल्लक तोड़ा, निकाला चिल्लर और गाड़ा पिल्लर और शुरू किया अपना लय भारी एफएम हर हर महादेव। वैसे तो अपन मराठी माणूस है, किसी के आगे झुकता नहीं और पैसे के आगे बिकता नहीं, पर काशी भाऊ उर्फ कसाई इस बस्ती का गुमास्ता लाइसेंस माफिक है, इसलिए उनके पास अप्रूवल का ठप्पा लेने को आया है। भाऊ शक्ल से विलन लगता है पर दिल से खरा सोना है। भाऊ का नियम क्लियर है, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूटपाट से, जहाँ सच ना चले वहाँ झूठी बात से, जहाँ प्यार ना चले। ये अपन बोला था हो भाऊ टल्ली होने के बाद? क्या भाऊ तेरा फ्रेंड बहुत मस्का पॉलिश कर रहा है। अरे मस्का नहीं भाऊ, आपका बहुत बड़ा फैन है। आगे पढ़। भाऊ का जो दिल है ना एकदम सीता फल के माफिक है, बाहर से कड़क अंदर से नरम और फिर अंदर से कड़क। भाऊ की तारीफ में जितना भाई लोरी सुना रहा है उसको, रिश्ते में तेरा बहनों ही लगता है क्या? टेंटू में पैसा रख के देखी जबक क्यों हो जाए। ले जा। तू क्यों रुकिया बे? भाऊ इतना दरिया दिल है कि पकड़ पकड़ के खुशियां बांटता है। भाऊ कंजना पड़ा से फोन बोल में आता है, भाई 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। भारी एंटरटेनमेंट मिलेगा इसका मैं फुल प्रूफ वादा करता है। मंडला भारी कासे भाऊ वो अपना रेडियो स्टेशन के अप्रूवल पे ठप्पा लगा देता तो अच्छा होता। ए बकिया इसको रेडियो चालू करने का भूत कैसा सवार हो गया रे? कुछ फायदा वायदा होगा क्या? पैसों के लिए नहीं भाऊ, समाज सेवा के लिए। तेरी समाज सेवा की? बस्ती के 15 साल के छोकरे भी हफ्ते का 15,000 वसूली करते हैं। ए बतो हां भाऊ तेरे लौंडे कितना कमाते रे? हफ्ते का 50। सुना क्या बोले? तो महीने का 2 लाख। आप उनके बोलने में सरेंडर हुए थे? बात करता है, गाड़ी निकाल। हां भाऊ जुम्मा बाजार से सारा सामान लेकर आ गया है। प्लीज भाऊ तुम्हारे प्रचार में कोई कंजूसी नहीं करेगा मैं। अरे भाई हाँ भाव मान जाना भाव, जल्दी बैठना। ए भाभी काय को उसको पल्लू से बांध के रखती है? कमाएगा तो ही गहने बनेंगे तेरे। मंगता है तो ज्यादा नहीं, 10 दिन के लिए चालू करके बताता है, अगर मजा नहीं आया तो बंद कर देगा। एक कान खजूरा हो गया तो जा खोल ले। देव मानुस सब लोग ले लियो अंकल। चला बाबा रिबन काट। अरे रिबन के बजाय रॉड लगा दिया? बस्ती का नामचीन वेल्डर रिबन काटेगा, अच्छा लगेगा क्या? ए क्या कट करा, तभी सुधरेगा रे तू। ए आई कब रे बाबा, उंगली संभाल के। जय भारी। ये ए आई एकड़े काय रे, बाहर का उद्घाटन बाबा ने किया, अब अंदर का तू करेगी। स्विच ऑन कर ये ज बटन। हां हां भाई दबा दिया। थैंक यू। बस्ती के लोगों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। आपकी बस्ती में मस्ती भरने के लिए आ गया है लय भारी एफएम 90.8। शुरू कर दो है पहला शो। ये कुमार आवाज आ रही है क्या? इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ है सदाशिव काका, जो जिंदा दिली की मिसाल है। ये लो थैली बंद हो गई, हाथ में लेके जाओ। काका माइक में बोला। दबाता हूं पीते। हमारी बस्ती का नाम कंजारवाड़ी नहीं बल्कि कारीगर बस्ती हुआ करता था। यहाँ ज्यादा करके कारीगर रहते थे, फिर वो अंग्रेज लोग यहाँ आए ना, तो वो उन लोगों ने बीटी स्टेशन, गेट ऑफ इंडिया, ये सब हम लोगों से बनवाया। और ये जो घंटा है ना, अरे घंटा इधर नहीं उधर है। जब भी वो घंटा बजता तो हम लोग को वो काम पे जाने का इशारा होता। आज तुमने वो घंटा हिलवाया तो मुझे पुराना जमाना याद आया, तुम्हारी काकी याद आ गई। तो ये थे बस्ती की कहानी सदाशिव काका की जुबानी। अब बात करते हैं इस बस्ती के नगीनों की, जैसे पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टायर वाला, डब्बे वाले। अब कारीगरों की बस्ती गलत काम करने वालों का बसेरा बन गई है। मुलगी सीख जाएगी तो प्रगति तो हो जाएगी, पर लड़के चरस के धुएं में गोते लगा के मरेंगे। साहब काशी भाऊ की मेहरबानी है। बस्ता बोलते भाऊ। बस्ती में दो तरह का लोग रहता है, एक जो कुछ करना चाहता है और दूसरा जिसको कुछ नहीं करने का। जो करना चाहता है वो काशी भाऊ के साथ नए कामों में हाथ बटाने लगता है, मतलब गला काटना, वसूली करना, हाथ पर तोड़ देना। मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए ये एफएम खोला है ताकि अपनी बस्ती की हालत सुधारूं, इसे सही ट्रैक पर ले आऊं। तो कॉल में ले भाली एफएम। अंदर की बात अरविंद के साथ, ये भी अंदर बोल की बात अरविंद के साथ। सच का झूठ से सामना, स्पॉन्सर्ड बाय न्यू फेडोरा। ब्रेक के बाद इस चर्चा पर बात करेंगे। किस पे बहस बस, है? बस, बस, बस। अहो पिछले साल कुछ लड़कियों ने सगाई के बाद शादी के लिए मना कर दिया था ना, उसी के बारे में चर्चा चल रही टीवी पर। 1 साल हो गया लेकिन उनमें से किसी भी लड़की का रिश्ता नहीं आया, और जिन निखट्टू लड़कों को उन्होंने ठुकराया था सबकी शादी हो गई। ये शो इतना हिट क्यों है? बाबा बिंदास लड़की उसके भाषण में बोल वचन है, अभी आएगी। ये बोल वचन क्या होता है? हेलो मेरा नाम मीनाक्षी है। सही है दादू। बाबा
उसके बाद है ना उठाक जैसी है, कैसे समझाऊं। आ गया, कोई दिन देख लो। के बाद फिर आपके साथ। आज समाज में पुरुष का रुतबा कम होता जा रहा है। आज की चर्चा इस बात पर है कि महिलाएं आजाद हों, और देखना ये है कि महिलाएं अपनी इस आजादी को किस रूप में देखती हैं। मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। एक बात बोलूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा एलर्जी है, मर्दों को ये क्यों लगता है कि उन्होंने आजादी हमारी झोली में भीख समझ के डाल दी है। ये दो टके के मर्द औरतों में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। अबे ये बताओ कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा। तुम लोग शराब पियो और अफगानी माल मारो, और अगर हमने गलती से 502 पटाखा भीड़ी को अपने होठों में दबा लिया तो हंगामा खड़ा कर दोगे। बंद कर रहे। ए, आई, कभी तो सत्संग के बीच से उठती है क्या? एक शादीशुदा मर्द अगर यहाँ वहाँ चोट लड़ाए तो चलता है, और अगर हमारे बैठ के गुटर गु कर दे तो ये मर्द आतंक मचा के सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते हैं। इसकी पावली कम हो गई है, ये बोल बचन नहीं गोल बचन है। ए तू अंदर जा, बत्ती बुझा के सो जा। जा कह रहे बाबा, उसके बाद उसे थोड़ी चढ़ी के नहीं चढ़ी। ये अरे आजा आजा नीचे आजा, पार्टी करेंगे। ए अफगानी माल लेके आऊं तेरे लिए, आजा आजा। देख लिया ना बेशर्मी का नतीजा, बन गई स्टार, गई क्यों नहीं। मेरा कजन आ रहा है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। हेलो मीनाक्षी, तेरे हॉस्टल के सामने कितनी भीड़ है पता है? तू इस वक्त बाहर आएगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे तेरा। तू पीछे का रास्ता ढूंढ के वहां से निकल गया। अरे पकड़ ले, पद भी नहीं। तेरे बेटे का रेडियो स्टेशन घर के करीब है लेकिन कभी नहीं पकड़ में आता। दादा हा? पकड़ते ही आवाज बढ़ा देना। उसके रेडियो शुरू करने पर बागड़े बिल्ले जैसा मुंह बना लिया था, अब क्यों सुनना चाहती है? आज वो रेडियो पर मेरे इस बारे में बात करने वाला है। वैसे भी हाथी का खीस बघारने का और खाने का दांत अलग अलग होता है ना। अरे सुनो, जरा गाड़ी से सामान ले आओ ना। तुमने इसे टीवी पे देखा है क्या? पकड़ा। ए मीनाक्षी, तू जा कहीं भी है मेरी आवाज सुन रही होगी? नहीं थुनेगी वो। आगो? सिग्नल नाके तक नहीं पहुंचता, उसके घर तक कैसे पहुंचेगा? ये नौकरी चाहिए ये नहीं। भारी दे भारी मीनाक्षी पे पल दा भारी। ए मीनाक्षी, औरतों की आजादी का सारा लगा है, उस पर लंबे लेक्चर छाड़ेगी। आजादी का मतलब भी समझती है? पहले आदर्श नारी बन, बाद में शक्ति की बात करना। उसको बंद करो बाबा, बंद मत करना। सोना और उठना नहीं होता है। नारी क्या होती है मैं बताता हूँ। नारी कुर्बानी देती है, मेहनत करती है, अरे घर को स्वर्ग बनाती है। जैसे मेरी आई, उसने आज तक बाबा के जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तू कैसे उठाई रे? भाई लुलाएगा क्या? ये पद्मिनी का बेटा अरविंद है, कुछ काम धंधा नहीं था इसलिए अपना रेडियो चालू कर दिया। आओ इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसकी तो आदत ही चप्पल का बात करने की। दीदी जाके ठंडा लेकर आओ फटाफट। अरे असली नारी तो मेरी माँ है, वो प्यार का धबधबा है। मेरे प्याली तोड़ने पे भी कभी गुस्सा नहीं की। कुत्रिया ऐसा कभी नहीं बोली, क्या रे कुत्रिया ऐसा बोल के डांटी। पर उस दिन तेरी बातें सुन के वो कैलाश खेर की तरह चीखने लगी, उसको गाली का ग भी नहीं आता था, पर उस दिन ग से सारी गालियाँ दे दी। ये नारी सुधार रही है या बिगाड़ रही है? जल्दी से मशहूर होने के लिए नारी का सारा मत ले, सारा लेना है तो किसी मेकअप आर्टिस्ट का ले, कम से कम थोबड़ा तो देखने लायक होएगा। उस तो देता है क्या? टीवी पर देखा रे। देती देती है? वैसे है एकदम चिकनी। मुझे अपने बेटे का नंबर दो। मेरा बेटा अभी तक पेजर इस्तेमाल करता है। उसी समय को फोन लगाए, नंबर है 7397293339। शायद आपकी गालियाँ उस डायन को सुधार दे। अंदर की बात अलविन के साथ शाबाश एफएम के वफादार। सलाम नमस्ते, मीनाक्षी को बुरा भला बोलना है? हाँ गाली देनी है, पर उसे नहीं तुझे। मीनाक्षी की तरह एक और रेडियो पे जलील होने के लिए आ गई। God bless you. Now का है तुमसा? मीनाक्षी। सिग्नल इस तक कैसे पहुंचा? मैं दूधल थोड़ी हूँ भाई। हमारे श्रोता उसे कुछ कहना चाहेंगी? माइक पे कुछ भी अनशन बकोगे? मैं तो बस समाज की आंखों की घोटी को खोलना चाहता था। हम लोग के पास तो बाइक का लाइसेंस भी नहीं है। अबे गैर कानूनी रेडियो स्टेशन चलाने के जुर्म में तुम लोगों पर दफा 61, 62 और 33, 34 लगवा के जेल के अंदर करवा दूंगी। पुलिस ऐसा रायता फैलाएगी कि तुम लोग समेटने लायक नहीं रहोगे। ले भारी पे नारी पड़ गई भारी। देख चीज कासिर फोन। हाँ की बोल छे कासिर। फूड इंस्पेक्टर को कोई उंगली कर रहा है, कहीं इसमें तेरा हाथ पैर तो नहीं? वैसे तू ये उल्लू पंती करेगा नहीं? उल्लू पंती तो कर चुका, अभी तो शुरुआत है बाबा। कितना राज करेगा रे? घर पर बैठो बीबी का शौंगे की
खर्चे के लिए टाका हम ही देबो। इरे लगता है अफगानी माल मारा है तूने। देखते हाँ खूब बालो करो देखो। पकिया हाँ भाऊ, फूड इंस्पेक्टर को कोई भी टपका सकता है, कृष्णा या मुत्तू कोई भी, लेकिन मैं चाहता है कि तू दास गिरी में घुस के मारे। कालिदास को बहुत चर्बी चढ़ गई है, ये काम तू ही कर सकता है। बोल बेटा तू करेगा कि नहीं? भाऊ हंसते हंसते करेगा। इधर आ जी, घर जाके नजर उतार ले। कायरा पकिया, सुबह सुबह किधर भाग कर जा रहा था? कोई छोकरी का चक्कर है क्या? अपुन से छोकरी कहाँ पटेगी लाले। तो ओ भाई के नाम का टैटू बनवाने गया था। काशी भाई बोला है कि 20 आदमियों की फौज लेके जा, 10 को टपका और 3 लोगों को पकड़ के सरेंडर करवा दे। कौन है वो हिम्मत के धनी? अरे अपनी गली के बच्चे। अच्छा? बंटी, पार्थ और शंकर। उनका तो बोर्ड का एग्जाम है ना? बोर्ड का एग्जाम देके कौन से IAS PCS बन जाएंगे? उनको बोला जेल जाना पड़ेगा। बोल के उनको काय को टेंशन देने का, पुलिस के डंडे पड़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। चल मेरे साथ चल, उनको बोल देते हैं सुबह रेडी रहने का है। या काय रे, तू कल शाम को पहुंचेगा, बैठ। मेरे को मालूम है लोग किधर होंगे, मैं जाकर बोलता है। ये बंटी, पार्थ, शंकर इकड़े। क्या बात है भाऊ? काशी भाऊ के लिए काम करने का है। भाई ये हम सब का बचपन का सपना। कल सपना फिनिश लाइन पे पहुंचेगा। इन्फिनिटी वाला दोस्तों, आज तक आपने क्रिकेट की कमन की तुनी होगी, फुटबॉल की तुनी होगी, यहाँ तक कि कबड्डी की भी तुनी होगी, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार लाइबाली FM पे होगा गैंग वॉर लाइव। काशी भाव की तरफ से जो टीम फोड़ने वाली है उसमें बिपिन सेठ, पाकिया, सुरेश, मनी, माइकल और आबिद। इनमें से आज कौन काटेगा या कौन कटेगा ये तो बाद में पता चलेगा, पर मैं आपको पहले वार से लेकर आखिरी वार तक की पूरी कहानी सुनाएगा। क्या बकरे लाया? ए वो दे दास का पिल्ला। अरे भाग। ए रुके, ए रुक, तेरे तो एक आदमी को मारने के लिए 25 लोग को भेजा, ये काशी भाव तो कच्चा खिलाड़ी निकला रे। इसका मतलब ये वन टाइम मैच है, FM बंद करके गलत चला जाऊं? ये रुक रुक घर बचा, कहानी में ट्विस्ट। अचानक दास की टीम आ गई लिए, दोनों टीम आमने सामने खड़ी है, एक दूसरे को ऐसे घूर रहे जैसे खोपड़ी खोल के खून पी जाएंगे। हर एक टीम में एक एक टकलू भी है, सबके हाथ में जिंदगी बुझाने वाला सामान है। ना ये मेहमान है, ना ये मेजबान है, बस इनकी जिद है कि लेनी एक दूसरे की जान है। टीम काशी वर्सेस दास टीम, लाइव गैंग वॉर सुनते रहिए लाइव हारी FM पे। इनके मारने के तरीके से लगता है कि धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारना इन लोगों से ही सीखा था। विपिन के भाई का सर फोड़ डाला। दोनों टीम पूरे जोश में एक दूसरे को फोड़ रही है, हल्लू फुल फॉर्म में, लेकिन ये क्या, पीछे से कोई लकड़ा लेकर आ रहा है। कल्लू का सिर फोड़ दिया। आयो काशी की टीम घायल होती जा रही है। एक मिनट मादी, अलविन कल्लू की माँ है, उसको कल्लू से बात करनी है। ये कल्लू ले तेरी माँ से बात कर। हेलो बोलो। तू सापड़े रेडी कर, मैं आ रहा है। माँ ने जल्दी से कर आजा बेटा, लड़ाई ब्रेक के बाद कल्लू फिर हड्डियाँ ब्रेक करने जा रहा है। मादी लाओ हेडफोन दे दो मुझे। कर आया कि आज काशी भाव के लिए अपनी जान भी दे देगा। दास खुद इनिंग खेलने के लिए उतर गया है, वो हमारी टीम को गाजर मूली के माफे काटता जा रहा है। काशी टीम का बचना मुश्किल है, लेकिन पाकिया की नजर दास पर पड़ गई है। इधर पाकिया और दास 1-on-1 खेल रहे हैं। पाकिया के पैर पर तलवार से वार हो गया रे। छाड़ बना पाकिया। हेलो, लगता लाइन तक गई। चल इधर। अरे बहुत चल रहा है भाई। ये पाकिया बहुत खून बह गया है, जल्दी चल 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 नौकर, उठने की कोशिश कर पाकिया। अरे लग रहा है किसी ने पैर में मिर्ची भर दी भाई। ए, हमें घेर लिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तू जा मारना उनको। कायरा पाकिया, मैं तेरे को गुंडा लगता हूँ क्या? अरे गुंडा किसने बोला, तू सुपरमैन है, बैटमैन है, क्या बचा ले मुझको? नहीं रे, मेरे से नहीं होएगा। अरे तू उसका ध्यान कर जिससे तुझे नफरत है, और मार इन्हें। काशी भाव, सबसे ज्यादा नफरत तो उसी से करता हूँ।
चपटा हो जाएगा, मर जाएगा वो। किसको याद किया जो इतना गुस्सा आया? तेरे माई बाप काशी को। काशी भाऊ को? ए बंटे, ये क्या है? यही चाहिए तुम लोग को काशी भाई के साथ ये काम करने का? अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? पता है तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया? ये अरविंद, ये कब से खून ये करेगा और उसकी सजा काटने के लिए जेल में तुम लोग को भेजेगा। लाइफ की पूछ लग जाएगी। तुम्हारे दोस्त सुबू को भी बोला था 2 महीने के लिए जेल चले जाए, हम सब संभाल लेंगे, पर 2 साल से सड़ रहा है। मूर्ति उसका दोस्त था जिसने कुछ नहीं किया, फिर भी पुलिस उसको ले गई। पुलिस की मार खा के अपाहिज हो गया, उसकी माँ रो रो के अंधी हो गई, पर बेटा अब तक नहीं आया। माँ बाप की सेवा करके मरो, काशी की नहीं। तुम हो तो काशी है, वरना वो कुछ भी नहीं। बस्ती से बाहर कभी निकले हो, दुनिया में इज्जत से कमाने के बहुत रास्ते हैं। दास बाबू मुझे बचा लो, जहां साइन करने कहोगे मैं कर दूंगा। मुझे काशी के आतंक से बचा लो दास बाबू। क्या रे बोर्डन इंस्पेक्टर, तू इससे प्रोटेक्शन मांगने चला था? हाँ, तेरी जिंदगी प्रोटेक्ट हो गई। काशी काशी बाकी सब बासी। अब बन इसका रखवाला, स्वर्ग जाने से रोक लिए से, अभी तो खाली हाथ पे मारा है। अगली बार पंगा किया तो नंगा करके मारूंगा। काशी भाव ने बाजी मार ली, अब वो बलि चढ़ाने के लिए अब बकरों को ढूंढ रहा है। लगता है भाग गए। भाग गए? दाल में कुछ काला लगता है। काशी भाव शतुर्मुर्ग की तरह तीनों लड़कों को ढूंढ रहा है, पर वो तो निकल भाई जाता है ना अंदर। लो, सैयद अपनी बलि चढ़वाने के लिए खुद आगे बढ़ा, लेकिन उसको बाहर रखना काशी भाव के लिए ज्यादा लाभदायक है। अब काशी भाव की नजरें लकी विनर ढूंढ रही है। और लकी विनर है आबिद। कितनी खुशी की बात है, नहीं? बीवी पेट से और बच्चे का बाप जेल। ले पकड़। जय काशी। मेरा पति चला गया, अब मैं क्या करूंगी? अलविंद भाई, मैं हॉस्पिटल में पक्के आते मिलके आ लाऊं। उतने बताया तूने कार्तिक को दिमाग में लग के सबकी धुलाई कर दी। अलविंद बोल देता नहीं है। तब तो सिर्फ ख्यालों में मारा था, पर रेडियो के जरिए असल में मारूंगा। तूने इतनी ले दी तालू दिया है? हर एक बस्ती वाले को मोरे की तरह इस्तेमाल करता है वो खा निराड़ा काशी। बस्ती के गिने चुने लोग रहेंगे जो अच्छी नौकरी कर पाते, बाकी बचे हुए काशी के बहकावे में आके उसके गुलाम बन जाते। पहले लोग गरीबी की घुटन से बचने के लिए जुर्म किया करते थे, पर अब स्टाइल मारने के लिए करते। ये अनपढ़ गवार जाहिल लोगों ने चमड़ी दमड़ी और नशे को अपनी दुनिया समझ रखा है, पर इनसे इन्हें मिलती है माँ बाप की हाय और औरतों की बददुआ। पता है काशी पे कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? क्योंकि बस्ती के चूल्हों से काशी के कर्जे का धुआं उठता है। और कर्जदारों की ईमानदारी तो देख, उस बेईमान का हर काम ईमानदारी से करते है। अब मैं रेडियो के जरिए उसी के आदमी को उसी के खिलाफ भड़काऊंगा। मेरा रेडियो बगावत की चिंगारी है। वड़का मन्ना, आपको तो मालूम अगले महीने मेरे बेटे का कल्याण है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है। अन्ना आपने ऐसा क्यों किया? दादा मेरे बेटे की टांग टूट गई है, कमाने वाला कोई नहीं, हॉस्पिटल का खर्चा कैसे पूरा करूंगी? वो रेडियो वाला ना, सब उसी की कारस्तानी है। ए चल हट हट, पीछे हटो, साइड हो, साइड हो, जगह दे, साइड हो, जगह दे। ए अरविंद, काती पागल हो गया, वो रेडियो होते थे ना हम दोनों को तोड़ डालेगा। भाई भाई वो आ गया। ए मालना मत। हे क्या, पहले मशीन तोड़ो बाद में मेरे को तोड़ो। ले भारी पर भारी पड़ जाओ, इसी चलायक हूँ मैं। सोचा तुम्हारी तारीफ में हावड़ा ब्रिज से भी बड़ा पुल बांधूंगा, पर बस्ती वालों को लगा कि इज्जत का झुमका भाकर कर रहा हूँ। इतना मेहनत किया उसका कुछ नहीं, इससे अच्छा तो तोड़ डालो, तोड़ डालो सब कुछ। रेडियो पे अपन का प्रोग्राम चालू हो सकता है? कैसा? अगर मैं इधर बोलेगा तो सब सुनेंगे क्या? ओ भाऊ, अबे दो कौड़ी के नाली के कीड़ो, बाप बोल रहा हूँ सबका, कुछ नहीं हुई तुम लोग को। मैं ऐसा क्या किया कि तुम लोग को सवाल पूछने की हिम्मत आ गई? अबे नासूरो, तुम लोग भूल गए कि मैं तुम लोग का गॉडफादर हूँ? काशी के आगे कोई बोला तो उसका जीवन डोला, अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग रोड पे गंदी नाली साफ कर रहे। अगर मैं नहीं होता तो रहने के लिए तुम लोग के सर पे छत नहीं होती। गटर की पैदाइश, जीने से लेके मरने तक हर चीज के लिए मेरे भरोसे हो। याद रहे, तुम लोग का रोटी कपड़ा मकान सब छीन लूंगा मैं। ए, अगर मैं बस्ती छोड़कर चला गया तो ये सरकार तुम लोगों को घर से बेघर कर देगी।
काजी अब गुस्सा थोक दे रहे, त्यार से बगावत करने का हम में हिम्मत की दे रहे, तेरा मेहरबानी पे जिंदा रहे। इधर आ, इतने सालों में कभी पुलिस ने यहाँ कदम रखा है? चल बता, किसी ने फ्री में राशन कार्ड दिलवाए, वोटिंग के बदले पैसे दिलवाए और तुम लोग मेरे सामने भौंक रहे हो? क्या रे, तू ही इस बगावत की चिंगारी है। अगर ये रेडियो ऑन हुआ तो तुझे ऑफ कर दूंगा। और तू जल्दी मत मरना, इसकी चिता को आग देके मरना। ऐसा मत बोलो। ए भाव, 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 प्लीज माफ कर दे भाव। भाव गलती हो गई भाव, आइंदा नहीं होगा। ए पाप अकेले, वीडियो बंद मत कर। जवान बेटे को सर पे चढ़ाया, अब वो सर पे बैठकर कान में सुर सुर मूत रहा है। उसको कासी के नाद में लगने की क्या जरूरत थी? ओए अरविंद, तेरी माँ इतना पढ़े क्यों रही है? तूने ऐसा क्या कर दिया कि तेरी वजह से तेरी माँ तेरे डैडी पे हुक्का पानी लेके चढ़ गई है? सुन, पूरी बस्ती का ठेका लिया है उसने। किसकी बेटी किसके साथ भाग गई, किसका बेटा किधर पड़ा हुआ है, हाँ काय करते है, वो क्या कर रहा है, ये इच करना आता है उसको बस। अपने इच घर की तकलीफ उसको दिखाई नहीं देती है। उसको पता है अपन कितने कर्जे में डूबे हैं, उसकी बहन की कॉलेज की फीस भरनी है, अभी तक हम अरविंद की पढ़ाई के लिए हुए कर्जे का ब्याज चुका रहे। हेदी सत्य चला, दिन रात लोहा चिकटा चिकटा के आंखें गई तुम्हारी। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना जरूरी है, अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं किया तो तुम अंधे हो जाओगे। ये सब बातें तुमने उससे छुपा के रखी। उससे समझदार तो हमारी बेटी है, हमारी परिस्थिति को देखते हुए कहती है मैं सस्ते कॉलेज में चली जाऊंगी माँ, लेकिन हमारा बेटा हड्डे आराम है, ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं होगी और काशी गुंडे के साथ दुश्मनी ले ली, उसे मार डालेगा वो, और तुम हो जाओगे अंधे। फिर मेरे साथ मेरी बेटी भी दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा और भांडे घसेगी ताकि तुम दोनों का पेट भर सके। जब गए, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा किसी से कम नहीं है, वो मेरा नाम जरूर रोशन। बेटा काय नहीं रही, कुछ भी बोलती है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, सबका ख्याल रखूंगा मैं। सैफ्रॉन में आए हुए सभी कैंडिडेट्स का हम स्वागत करते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऊपर वाले से हेल्पलाइन पे डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा है। ए भाई तेरा नंबर आ गया। क्या भाई इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, चिल मार। मेरा नाम हरी है, लेकिन मैं हरी में नहीं रहता। आई एम अरविंद। ओके, नाइस मीटिंग यू। आपका रिज्यूमे मिल गया है, गुड लक फॉर द इंटरव्यू। एक्सक्यूज मी। हाँ भैया, आपका पेन। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं, 2.5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दियो, लगता है नंबर आए वाला है। फोनवा रख, मैं जल्दी से काट। मम्मी का फोन था। हाँ भैया, हमसे ज्यादा वो टेंशन आ गई है। ये सारी मम्मी एक जैसी होती हैं। और क्या, हम आदि अरविंद और मैं हरिहर, तहरा के जाना था नहीं। स्मार्ट है, उड़ते हुए मच्छर के पर गिन सकता है। वैसे ही यहाँ पे सेल्समैन की इंटरव्यू के लिए क्यों आए? पर्सनालिटी तो भोजपुरी हीरो जैसी है, ये कहे तो मैं इसे रोल दिलवा सकता हूँ। अरे वाह बॉस, लगता है कि तुमको काम से ज्यादा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। ये मेरा रोज का काम है। अब देखो होगा क्या ना, अंदर 4 लोग होंगे, 2 टकले और 2 पगले। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब उनको पूछो तो वो खुद नहीं दे पाएंगे। सही बोला ना? हम कहा जाने। ये आदमी मेरे को गड़बड़ लगता है। पिछले इंटरव्यू में मुझे पूछा, टेल मी योरसेल्फ अबाउट समथिंग। मैं बोला कि मेरे पास 3 बनियान और 2 कच्छे हैं। वाओ, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बोल के मुझे रिजेक्ट कर दिया। कैसे लोग हैं? बॉस पेट का अच्छा नंबर आया, ये ले लो वो ले लो, दिमाग खराब करके रखा हुआ तुमने। दोबारा फोन की ना तो तेरा नंबर मोहल्ले के लड़कों को बांट दूंगा, समझी? अच्छा सर, यहाँ आएंगे का? ओके। ये किसको बुलाया, दोस्त को? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट। हमारे देश के घोंचुई कंपनी का प्रेसिडेंट, वो हमरे करीबी दोस्त। नहीं बताने का तो मत बताओ, पर काम के वक्त मजाक तो मत करो, मेरे को अच्छी तरह फोकस करने दो। ओके गाइस, सो इंटरव्यू इज ओवर। आई हैव ऑब्जर्व देम, 7 लोग कैपेबल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 दे आर फाइनल, बाकियों को घर भेज सकते हैं।
वो कैंडिडेट एक मिनट में 60 बार घड़ी देख चुका है। सब्र नाम की कोई चीज नहीं। सेल्समैन के अंदर आग होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए जो टारगेट पूरा करने के लिए अपना दिन रात एक कर दे। दिस पर्सन इंटरव्यू से पहले ही न्यूज़पेपर में दूसरे जॉब की इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है। ये मिस्टर कॉल सेंटर वालों से इतने गुस्से में बात कर रहे थे जैसे वो कॉल सेंटर नहीं इनका ससुराल हो। हमारे टफ क्लाइंट्स को ये क्या खाक हैंडल कर पाएंगे? और ये भाई साहब इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और पेन नहीं है। इन्हें देखिए, शू लेस बांधने तक का टाइम नहीं है। और ये येलो डर्टी फेलो, ये नमस्ते सर, समझ गया। थैंक यू वेरी मच, मेंशन नॉट, मैं अगले इंटरव्यू में जाता हूँ। एक्सेप्ट फॉर सिलेक्टेड 7, रेस्ट ऑफ यू गेट आउट। वेल डन, गुड जॉब। एक पूरे दिन का काम तुमने अकेले ही आधे घंटे में वाइंड अप कर दिया। तुम्हारे इस आइडिया से हमें ईमानदार एम्प्लॉयज मिल गए हैं। इट्स ओके सर, इस कंपनी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। कीप इट अप। श्योर सर, बाय। एक्सक्यूज मी सर, सर एक सेकंड ना सर, उन्हें रिजेक्ट क्यों किया वो तो बताया, लेकिन हमको सिलेक्ट किस बात पे किया वो तो बता दो ना सर। जो चीज आपको पसंद होती है आप उसमें कमियां और गलतियां नहीं ढूंढते। On guys, I'm your brand manager Adi. Welcome to the world of Saffron, India ki fastest growing company. Hi, aajo. Saffron FMCG segment mein foods and ready to eat snacks products mein number one hai. ना सिर्फ हमारे पास बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है बल्कि वी हैव स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, अल्ट्रा मॉडर्न वर्ल्ड क्लास प्लांट और हमारे पास इंडिया की बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल टीम है। बेस्ट टेस्ट के साथ साथ ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए सैफ्रॉन की अपनी एक अलग पहचान है। हमारे जैसी काबिलियत किसी कंपनी के पास नहीं है। से विद प्राउड, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। ये चिंटू, माँ सुनेगी तो खुश हो जाएगी। बिल्कुल माँ, माँ बैल का दूध पीकर आए क्या? बतली का आए। ये कौन है? माँ बाला, ये मीनाक्षी। अरे इसने मेरी आवाज सुन ली तो मेरे को मार डालेगी। आज तो दया तू। हाय मैम। हेलो, अलविंद की मॉम को बुला दो। आप तो कहले अलविंद की माँ को अंदर से बुला दो। बेटा मेले को अलविंद बनाया। अलविंद की माँ? अरविंद तुम हो? हाँ मैं हूँ। रेडियो पर तो बड़ा मैना की तरह चहक रहा था, अब जब तेरे सामने खड़ी हूँ तो जबान पे लकवा मार गया। चल दे, गाली दे, बुरा भला बोलेगा ना तो बोल। ए मेरी तरफ देख के बोल, उसे क्यों देख रहा है? अरे मैं तो वही आके तेरी इज्जत की भुर्जी बनाने वाली थी, लेकिन तेरी माँ का मुँह देख के मैंने तुझे छोड़ दिया। अले आई, मैं अलविंद के बचपन का दोस्त, मुझे नौकरी मिल गई, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था, पर मैडम अलविंद की बोली बातों से पले था ने। अलविंद इसको थमालना माँ, मुँह मीठा कर लाता हूँ। अपने दोस्त से इज्जत की ABCD सीख, तेरी माँ से आशीर्वाद लेने आया है और तुझे देख के तो लगता है कि मुर्गी की खटर में फेंक दूँ, भैंस की खाल में छुपे हुए गीदड़ को सीख अपने दोस्त से। इसकी मक्काली का एक और सैंपल दूँ? देखो अभी ये मेरी नकल करेगा, बोल के दिखा, बोल बोल। मम्मी दी बात ऐसी है, देखा इसकी हरकतों से लगता है ये मेरी पैदाइश नहीं है। तू जा, जा बेटा जा, जा। इतको एतमत होना तथा के तोड़ना। अरे अरविंद, क्या एकदम बढ़िया कपड़े पहने हैं तूने तो, बीमा बीमा बेचने लगा है क्या? अरजे अरविंद, ये मिठाई का डब्बा, इसकी नौकरी लग गई क्या? इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट। तो तू मरवे नहीं, हाथों में थुलमा लगा के भी नहीं दिखता। चल फुटले है? फुटले मैंने कहा। थैंक यू। अरे सुन, तेरे से इतनी गंदी तरह से क्यों बात कर रही है? रेडियो पे गंदी मिमिक्री तो नहीं करता तू? मैंने तो पहले ही बोला था ना ये मेरी पैदाइश नहीं है करके। ये लो, आपको थर्ड फ्लोर पे जाके स्टेला से मिलना होगा। स्टेला? यस। स्टेला नाम किसको मस्त चिटकता है ना, इसको नहीं। हाँ रुको, मैं चेक करती हूँ, इसका हो सकता है। स्टेला? स्टेला? वो अंदर मसाज चेयर पर है। कब मसाज? हम्म, मसाज का सारा करते हैं। स्टेला मैडम, सर क्या आप? मैं ही स्टेला ब्रूस हूँ। सच में आप ही? तू क्या सोच के आया था? स्टेला लड़कियों का नाम होता है ना। जब वो पैंट शर्ट पहन सकती है तो मैं उनका नाम नहीं रख सकता? काम की बात कर। मेरा नाम अरविंद है। तेरा नाम क्या रखना, वो मेरे ऊपर है।
सर आज मेरा पहला दिन है, आज क्या सीखेंगे? जो तूने पहले नहीं सीखा होगा तो शुरू कीजिए ना सर। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये टपरी में काय को, यहाँ से ऑर्डर मिलेगा? नहीं नहीं ऑर्डर मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। अरे नरम दो कड़क चाय मार। अरे सर चाय छोड़ो और चलो। इस बात की जल्दी है सर, हम ड्यूटी पर हैं, काम पहले खत्म करना चाहिए। अरे क्रिकेटर्स से लेके फिल्म स्टार्स तक हमारे प्रोडक्ट्स टीवी पे बेच रहे हैं, हम लोग क्यों मेहनत करें हैं? अरे सर, अरे तू मेरा जूनियर है सर। सिर्फ यस सर बोलना सीख। मुझे क्रिसमस ऑर्डर्स के डिटेल्स दो। टेंशन ना लो, मैं संभाल लूंगा ना। सर आपसे एक पर्सनल बात करने का था। सर प्लीज ये मत समझना कि मैं अपने सीनियर की चुगली कर रहा हूँ, पर मिस्टर स्टेला मार्केटिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब तक मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। ये देखो सब सामान बराबर है। टारगेट पूरा करो वरना नौकरी गई समझो। सर कोशिश कर रहा है। ये क्या है स्टेला, तुम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो। तुम जॉब में मसाज ले रहे हो, काम में मन नहीं लगता तो रिजिग्नेशन दो और यहाँ से चले जाओ। सर मेरे को तो डर लग रहा है कि जो कुछ मुझे आता कहीं वो भी भूल ना जाऊं। सब लोग आपको गुरु घंटाल मानते हैं। सर मैं आपसे सीख कर आपसे भी आगे निकलना चाहता हूँ। सर मैं सीईओ बनना चाहता हूँ। उसके लिए ना मुझ पे और ना किसी और पर डिपेंड रहो, खुद पर भरोसा रखो। तरक्की का क्या फॉर्मूला है? स्मार्ट वर्क करना सीखो। हमेशा क्लाइंट के सामने साहब ले लो की रट लगाना हार्ड वर्क है। क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में समझाना और ये बताना कि इससे आपका फायदा होगा स्मार्ट वर्क है। मार्केटिंग में सेल से ज्यादा कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना इम्पोर्टेंट है। सर मैं आधी बात समझ रहा हूँ पर आधी बात समझ के बाहर है। मैं समझाता हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाओ, क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या बात कर रहे सर, बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ये सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट ही सुपरमार्केटिंग है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब भी आप सुपरमार्केट में एंटर करते हो तो आपकी नजर अट्रैक्टिव चीज पर पड़ती है, जैसे कि वो स्पॉट बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। इसके बाद आती है स्मेल यानी खुशबू की बारी। वहाँ देखो सारे खुशबू वाले प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर्स का दिमाग फ्रेश होता है और उसे खरीदने का मन करता है। एंटर करते ही कस्टमर को बास्केट क्यों देते हैं पता है? ताकि हाथ में न पकड़े बास्केट में रखे। अगर कोई सिर्फ एक चीज खरीदने के इरादे से आया हो तो खाली बास्केट से उसे शर्म आएगी और वो और चीजें खरीदेगा। अच्छा तुम्हें पता है नीचे की तरफ बिस्किट्स चॉकलेट्स मफिन्स ये सारी चीजें क्यों रखी जाती हैं? ताकि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाएं। ये लो बेटा जरूरत की चीजें जैसे आटा चावल दाल गेहूं वो सब अंदर की तरफ रखा होता है, लेकिन कस्टमर के यहाँ से वहां तक पहुँचने के पहले उसका मन ललचाएगा और वो गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेगा। एक और गौर करने वाली बात, तुम्हें विंडो दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तुम्हें घड़ी नजर आ रही है? नहीं ना, ताकि कस्टमर को कीमती वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो। इतना ही नहीं, हर सुपरमार्केट में एंट्री एक तरफ से होगी तो एग्जिट दूसरी तरफ से, ताकि जाते जाते कस्टमर फालतू चीजों को भी खरीद ले। एक और बात है, कुछ ललचाने वाली चीजें काउंटर के पास भी रखी होंगी ताकि बच्चे जिद करें और उनके माँ बाप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। वहां देखो एक टीवी भी लगा है, उस पर हमारे कॉम्पिटिटर न्यू फेडोरा के एड्स चल रहे हैं। ध्यान से देखो इसमें प्रोडक्ट्स के नाम नहीं आ रहे हैं, ये सब कस्टमर को उकसाने के लिए। हमारे ब्रांड मैनेजर भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। मार्केटिंग एक पजल है। मार्केटिंग शतरंज की चाल की तरह है। अभी तो सिर्फ 10% बताया। मार्केटिंग इज एवरीवेयर, हमारे जीवन में भी, जन्म से लेकर मरने तक एक एक बात में, यहाँ तक कि बच्चे का खाना जूते कपड़े स्कूल से लेकर उसकी शादी तक हर कदम पे मार्केटिंग की जरूरत होती है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मार्केटिंग। तो अब से तुम हर कदम पे मार्केटिंग करो। सर मैं मार्केटिंग की दुनिया को हिला के रख दूंगा। मेरे को आदि ने समझाया कि काम को बोझा समझ के नहीं हलवा समझ के करने का। वो ट्रक खाली करने का ज्यादा पैसे मांग रहा है, मैंने बोला कम कर तो जा रहा है। मैं फ्री में कर देता हूँ ना सर। इसने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे रख दिया और दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को छुपा दिया। अगर उसके बताए रास्ते पर आंख बंद करके मेहनत करता रहा ना तो बहुत ऊपर जाऊंगा और तुम लोग भी जा सकते हो। जिंदगी पलटी खा जाएगी। आओ इधर आओ बच्चे लोग। नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो ऑर्डर दे दूंगा। सर पिछली बार भी यही बोला था। मेरा विश्वास करो, अगली बार मिलोगे तो पक्का दे दूंगा। या आई गॉट इट। ओके। हाँ आपने बोला था ना दोबारा मिलोगे तो ऑर्डर दूंगा। ए, क्या है तुम्हारा पीछा कर रहा है, पागल है क्या? शंकर कुछ सीखो इससे, बहुत ही स्मार्ट आदमी है ये। तुम्हारा ऑर्डर पक्का, मेरे ऑफिस में आ जाओ। थैंक यू सर।
ये अरविंद है, सैफ्रॉन कंपनी में काम कर रहा है। और ये मेरे पांच तत्व हैं, भूमि, रियल एस्टेट, वायु, वैक्यूम क्लीनर, ये आकाश, टीवी वाला, ये अग्नि, गैस चूल्हा, और ये नीर, वाटर प्योरिफायर। इनका तो पता चल गया, पर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, इन लोग के लिए काम ढूंढता हूँ। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। अगर पानी का स्टॉक कल तक नहीं पहुंचा तो वेंडर चेंज कर दूंगा। आरओ वाटर से आपकी परेशानी दूर होगी। क्या बात कर रहे हो? कहीं से भी कोई काम की बात पता चले तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने का। कोई और दोस्त हो जिसके पास अलग प्रोडक्ट हो तो उसे भी ग्रुप में शामिल कर लो जल्द से जल्द। माँ, तूने एक बेटा क्यों पैदा किया रे? आई अच्छा करती ना, तेरे से बोल रही है लगता है। क्या हुआ अरविंद? सर वो फेडोरा का जो एड है ना, उसको शायद मैं समझ गया। क्या समझे? देखो सर, ये सूरज को गाय के जैसे सींग है और ये ब्लू कलर के गाय के थन है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई दूध वूध का प्रोडक्ट होगा। और ये सूरज का क्या मतलब है ये मेरे को नहीं समझा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। सूरज की किरणों में विटामिन डी होता है, तो उनका ये कहना है कि उनके मिल्क में ज्यादा रिच विटामिन्स होते हैं। आपने तो पहले ही बाजी मार ली, इतने अच्छे से तो ऐड बनाने वाला भी नहीं समझा पाता। पूरा महीना कितना खर्चा हुआ उसका हिसाब लिखिए, मैं देख ले। ए आई, कुछ भी मत बोल, मैं कितने से पैसे का हिसाब मांगूंगा? तूने कभी अपनी दी हुई कुर्बानियों का हिसाब रखा है क्या? मैं औलाद है जल्लाद ने जो पैसों के लिए माँ पेशक करेगा। लेकिन हिसाब में वो 3,000 रुपए। आई 3,000 बचे हो या 30,000, सब तेरे ही चे आयश कर। अरे घोल की बचा नहीं है तेरे को 3,000 मुझको और देने के। 3,000 का शॉर्टेज हो रहा। पैसा खत्म, हिसाब दिखा मेरे को, मैं किधर उड़ा डाली सारा पैसा। घेबक तुझ, मेरे को पता था तू मेरे ऊपर शक करेगा, इसके लिए पूरा हिसाब लिख के रखी हूँ मैं। पहली पगार हुई नहीं कि माँ से हिसाब ले रहा है, तेरे बाप ने कभी हिसाब नहीं लिया। मेरा रेडियो बंद हो गया, तू भी अपना बंद कर। मेरी शादी होने तक मेरे पगार पे जितना खर्चा करना करती जा, एक बार भी कंजूसी मत करना। पर आई पक्का काम पड़ेगा। अंकस, अरे मुंह से निकल गया। मैं आई कम इन सर। सर उस एड के बारे में मैंने पता लगा लिया है, अगर आप कहें तो मैं एमडी से जाके मिल लूं। मजाक कर रहे हो क्या? कंपनी के एमडी को मिलने में मैंने 10 जोड़ी चप्पल घस डाली और तुमको ऐसे ही मिलना है? ये सब छोड़ो, वो एड तैयार हुआ कि नहीं बताओ मुझे। सर विटामिन डी का सोर्स उनके प्रोडक्ट में होगा। सर अस्पंड लोग इसे खरीदेंगे ना? यस सर। बहुत सारू इसको रख के जाओ, इसका टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा ना, फिर एमडी साहब को बताना पड़ेगा। फॉर्मूला सिंपल है सर, कैल्सी कॉलीफ्लावर, रिसर्च कर चुका हूं। कैल्सी कॉलीफ्लावर? हां हां सर, यही सही टाइम है। अगर आपने उन्हें जाके बता दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको जगह मिल जाएगी। तेरे को मेरे अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले कीटाणु दिखाई देते हैं क्या? सर मेरा सपना है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने। माता जी की कृपा से। एमडी साहब के साथ मेरी खाखरा मीटिंग है, तुमने काम बहुत सरस किया है। सर फॉर्मूला भूलना मत, कैल्सी कॉलीफ्लावर भेजा में आ गयो। सर जी गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर? कम इन नारायण, टेल मी। सर मैंने फेडोरा के नए एड का फॉर्मूला पता कर लिया है सर। रियली? बैठो बैठो। बात एम छे के ये मिल्क प्रोडक्ट है सर, ये लो। कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहे उसके लिए फॉर्मूला इंग्रेडिएंट के साथ लिखा है। गुड गुड। और वो है कैल्सी कॉलीफ्लावर। साचू कहूं साहब, ये इंग्रेडिएंट के बिना मिल्क प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ये तो मैं मानता हूं, ये एक मिल्क प्रोडक्ट है। अब प्लीज उसे बुलाओ जिसने तुम्हें ये बताया। गो कॉल हिम। समझियो नहीं। जाओ बुलाओ। सर आज है ब्रांड मैनेजर। चलो डिटेल्स बताओ। सर स्टडी के मुताबिक वो विटामिन एनरिच्ड मिल्क लॉन्च करने जा रहे हैं, उसी का कैंपेन है सर। न्यू फेडोरा इस आइडिया को मार्केट में ला रहा है, उनका मेन इंग्रेडिएंट है कॉली कैल्सिफेरॉल। फिर से बोलो। कॉली कैल्सिफेरॉल। बाना तूने तो मुझे कैल्सी कॉलीफ्लावर बोला था ने? कॉलीफ्लावर? नहीं सर ऐसा नहीं कहा था। हमारा कान बहुत तेज है। आपने ठीक से सुना नहीं होगा सर, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है ही नहीं। फॉर्मूला डिकोड करना तो दूर की बात है नारायण, इंग्रेडिएंट का नाम तक रिपीट नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। जाओ बाद में आना। कैल्सी कॉली, ए भाई एनाथी संभाली नहीं रह जे, एक दिन तेरे को भी प्रोडक्ट के साथ बेच देगा। अपने बारे में कुछ बताओ, व्हाट्स योर एम्बिशन? योर चॉइस सर। क्या आपकी पोजीशन? इसमें गलत क्या है? आपने भी कभी इसकी ख्वाहिश की होगी, उसी तरह मेरी भी एक ख्वाहिश है सर। मैं सैफ्रॉन कंपनी को नंबर वन पे देखना चाहता हूँ और उसके लिए जो बन पड़े मैं वो करूंगा सर। कल टीवी में हम लोग अपना एड रिलीज करेंगे और हेडिंग होगी वन एंड ओनली विटामिन डी फ्रॉम सैफ्रॉन। फिर देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। आई एम इम्प्रेस्ड, ये एड कल ही आ जाना चाहिए। श्योर सर, नाइस टाई। शेफ, हमारा नंबर वन प्रोजेक्ट कैसे लीक हो गया?
सैफरन को मात देने के लिए ये मेरा तुरुप का इक्का था। किसने लीक किया? यहाँ से लीक नहीं हुआ सर। दिन ब दिन हमारी पोजीशन नीचे जा रही है, हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। सर, क्या हमारे आदमी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं? यस सुपर सर। मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। क्लोज दिस प्रोजेक्ट। सर, इस प्रोजेक्ट में हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इसे बंद करने से सारे पैसे डूब जाएंगे। यानी फिर से इस इंडस्ट्री में सेकंड पोजीशन पर रहूंगा? पोजीशन से ज्यादा इज्जत का सवाल है, नए सिरे से सोचना होगा। पर गद्दार को कोई माफी नहीं। बत्ती का बिल भरने के लिए 500 रुपया और चाहिए। माँ का गुजराती क्लासेस ज्वाइन करके थोड़ा पैसा बचाना सीख। धूप में तो और चिकनी दिख रही है। आई मैम साहब को बोलते छुट्टा काम वाली छुट्टी पे जा रही है, बेटे को इतनी पगार मिलती है कि ब्लाउज कम पड़ रहा है। मैम साहब को बोल फेसबुक पे कम बैठे और वॉश बेसिन के पास ज्यादा। अच्छे बर्तन धोएगी तभी लाइक्स मिलेंगे। यहाँ से नहीं तो चमाट खाएगा। तार की तरह लंबा हो गया लेकिन दिमाग से बच्चा ही चे। चल फूट अभी यहाँ से, लेट हो गया तो पगार कट जाएगी। बोल अरविंद। ये काशी भाऊ की मंडली किधर को जा रही है? अरे भाऊ का आज हैप्पी बर्थडे है, सेलिब्रेट करने को करजत के फार्म हाउस पे जा रहा है। पूरी रात मस्ती धमाल। गैंग के सब लोग जा रहे हैं? मेरे को छोड़ के सब। ए अरविंद, क्या ढूंढ ले बताना भाई। अपने छोकरे लोग को बोलिए हर घर में बांट के आए। ए तंपा भाई आएगी तो दे देना। ए पल ले ये लो। अरविंद मेरे को ये पर्चा देने को बोला। बहुत टाइम से इसी दिन का इंतजार था। रेडियो खोलने के बावजूद आप सब तक वो बात कभी नहीं पहुंचा पाया जो मैं पहुंचाना चाहता था। बस्ती वालों, अगर मेरी नीयत साफ लगती है, अगर मेरे इरादे नेक लगते हैं तो मेरी बात को सुनकर उसके बारे में सोचना जरूर। तकरीबन 3 साल पहले कुछ सरकारी अफसर अपने एरिया में आए थे। काशी भाव ने हम सबको डराया, बोला कि वो हमको निकालने के लिए आए, और हम सब ने मिलकर उनको भगा दिया। वो हमारी बस्ती को खाली कराने नहीं आए थे, बस्ती बसाने आए थे। यकीन नहीं हो रहा ना? आपके हाथ में जो कागज है वो आपके घर के कागज है। अगर उस दिन उन्हें नहीं भगाते तो आज राशन कार्ड, सड़क, पानी, बिजली, हर चीज की सुविधा हो जाती। घर के मालिक बन जाते तो बैंक से उसके बदले में लोन लेते, फिर बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी, घर की मरम्मत, धंधा सब कुछ कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो हम मजबूर नहीं होते। फिर काशी अगर फायदा उठाता तो किसका उठाता, किसके नाम पे राड़े करता वो? इसीलिए उसने उन्हें भगाने की चाल चली। सबको कुमान में रखा कि हम उसके रहमो करम के बिना जी नहीं सकते, पर मेरे को उसके टुकड़ों पर नहीं पलने का है। और तुम लोग भी उसकी भीख पर ठोकर मारो। भेड़िए को अगर तुम लोग अपना रखवाला मानते रहोगे, अगर सच जान के भी किसी को काशी से मेरी शिकायत करके उसके गंदे तलवे चाटने हैं तो चाटो, मला हरकत नहीं। पर मेरे को इस जगह को सुधारने का है, पूरी बस्ती को प्योरीफाई करने का है। बस्ती का एक भी बच्चा गलत राह पर नहीं चलना चाहिए, और जितने चल चुके उनको रिवाइंड करके सही रास्ते पर लाएगा मैं। सोचो बस्ती के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे, बस्ती का नाम रोशन करेंगे। अगर ना उम्मीदी के दलदल से निकलकर तुम लोग को मांगता है कि उम्मीद की करवट लो, तो आज रात आधे रात को अपना घर का बत्ती खुला रखने का। हालात के आगे खुद को बहुत दबा लिया रे, अब हालात को आस का चोला पहना के खुद अपनी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। मैंने तो कफन बांध लिया है, तुम भी बांध लो। Hey, कौन है रे? मैं हूँ तेरे रेडियो की फैन। क्या हुआ, काशी के डर से तेरी हवा निकल गई? काय रे, नींद नहीं आ रही है। अरे कैसी बातें करते हो, यहाँ पे इतना अच्छा फ्री में शो होने वाला है और मैं चादर ओढ़ के सो जाऊँ? बस्ती की हालत तेरे को रियलिटी शो लग रही है। तेरे को क्या लगता है ये लोग आधी रात को तेरे लिए बत्ती जलाएंगे? यही तो उनकी परीक्षा है, मेरे को भी पता चल जाएगा कि सपोर्ट करते हैं कि नहीं। उन्होंने बत्तियां जलाई तो सबके लिए लड़ूंगा, और अगर नहीं जलाई तो मराठा अकेले लड़ेगा। काशी किधर से आ गया?
काशी, सुन, तेरे को हाथ नहीं लगाना, मैं बोलता हूँ, मुंडी अंदर ले चुप। आप उनके मना करने के बाद भी तूने अपना रेडियो चालू किया, खुद तेरी माँ बोल रही है। काशी भाव, मेरे को जो बोलने का है ना वो। अगर रेडियो पे क्या बोला पहले वो बता। क्या बोला नहीं बताया? नहीं बताया। काशी भाव, वो लाइव गैंग और मैंने सुनाया था तो तुमको बहुत राग आ गया था, बहुत नाराज हो गए थे ना। अब महाराज को नाराज करेगा तो अनाज कहाँ से खाएगा। तो मैं बस्ती वालों को बोला रात को सरप्राइज देने का, भाव को 12 बजे बत्ती जलाने का। अबे बत्ती जला के बर्थडे का सरप्राइज देते हैं क्या? अब वो मोमबत्ती पे थूकने का मतलब फूकने का तो अंग्रेजों का स्टाइल है ना, तो मैं सोचा कुछ देसी स्टाइल में करते। बस्ती जगमगाएगी जरूर, पर बर्थडे शुरू होने पर नहीं, खत्म होने पे। फाड़ू आइडिया रे। ए, घड़ी में कितना बजा रे? अजून 3 मिनट आया भाव। अगर बत्ती नहीं जली तो तेरे जीवन की बत्ती गुल। भाव तुम्हें साहब, मैं कल बता देगा इन लोग ने बत्ती खोली के नहीं। सर ये मेरा मित्र पकिया है, कोई नौकरी होएगा तो प्लीज दो ना। अगर ये सुधर गया ना सर तो इसको देख के 10-15 लोग और बस्ती के सुधर जाएंगे। सैंपल मार्केटिंग। वाह सर, आज नया मार्केटिंग सीखा। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ, भाग्या से बात करना चाहूंगा, बाहर वेट करो। सर मैं रुकता है, ये सटकेला है किसी पर भी हाथ छोड़ता तुम है। तुम टेंशन मत लो। ये पकिया, दोस्ती का इज्जत रखना। सर अपने बारे में अपने दोस्त का विचार एकदम सही है, वो टाई लगा के यहाँ बैठना अपने से नहीं होगा, भेजा फ्राई हो जाता है। सर आप अपने को रिजेक्ट कर दो। जो काम तुम काशी के लिए करते थे वही यहाँ पर करना है, वसूली की जगह डिलीवरी बॉय बनकर, पगार भी मिलेगी, चलेगा ना? फिर चलेगा। मुझे तो नहीं लगता वो वहाँ पर टिक पाएगा। काके घाबरू ना का, उसके काम की जिम्मेदारी मैं लेता है। जिस दिन तुमने लाइट ऑन करने को कहा सबके दिलों में एक उम्मीद की किरण जाग गई। मेरे को भी यकीन नहीं हुआ, सबकी बत्ती जल गई, सबको बदलाव मांगता है। इसमें तुम्हारी मदद एक लड़की भी कर रही है और वो घर घर जाकर तुम्हारी बातें लोगों तक पहुंचा रही है। कौन थी मुलगी? वो नई लड़की है ना, मीनाक्षी, उसी ने हम सबको बताया कि तुम अच्छे इंसान हो, अच्छा काम कर रहे हो और हमें लाइट ऑन करने को भी कहा। हेलो हेलो लेंस कुमार। बोल भाई अरविंद। ये मीनाक्षी कैसे? अरे मेरी ताई जी की बेटी है, मैं भाई हूँ उसका। ए, इधर ट्राइपॉड चेक कर। कोई फायदा नहीं था फिर भी बस्ती में मेरी इतनी मदद की बोल के पूछ रहा हूँ। मीनाक्षी है ही ऐसी, लोगों की मदद किए बिना उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। पर मीडिया वाले उसको गलत काय को समझे थे? देख उसने औरतों के हक के लिए लड़ने के लिए उस डॉक्यूमेंट्री में काम करने का फैसला किया था। सोसाइटी वाले उन लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उन्हीं की मदद करने के लिए उसने वो टीवी शो किया था और टीवी वालों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उसी की बलि चढ़ा दी। पहले मीडिया ने गलत समझ के उसको दुख पहुंचाया, बाद में मैंने दुख पहुंचाया। प्लीज बोलूंगा तो एक मदद करेगा? ये ले भाई, ये उन लड़कियों के नंबर हैं जिनकी वो मदद करना चाहती थी। ये लो पहला नंबर डायल कर दिया। हेलो हेलो, उस दिन आप वो रियलिटी शो में आई थी ना? हाँ। उसमें से हमने आपके हस्बैंड का नंबर निकाल लिया है। मैंने शो के लिए झूठ बोला था, मेरी अभी शादी ही नहीं हुई है सर। ये क्या बात कर रही हैं आप? वो शो मैं और नंदिनी ने पैसे के लिए किया था। मगितला उसमें से दो तो फ्रॉड है। हेलो नमस्कार, बैंकॉक में फ्री मसाज के लिए आप और आपके हस्बैंड सिलेक्ट हुए, मैसेज मिल गया ना? क्या? मेरा तो कब का तलाक हो चुका है और अब मैं अकेली रहती हूँ, बैंकॉक जाके क्या करूंगी? हट फोन रख। मैडम फोन मत रखना, पति को छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं चलूंगा। सही है ना, घर के झगड़े के बारे में अनजान आदमी को फोन पे बता दिया तो हम दोनों उसके घर चले। कह रहे वो LKG से लेके BCOM तक सब बता देगी ना।
मेरा पति जानवर था, वो सीधी सादी लड़कियों के गंदे तरीके से वीडियो बनाता था, फोटो एडिट करता था। मेरा पति ही उस चैनल में डायरेक्टर था, उसी ने प्रोग्राम शूट किया था, लेकिन बाद में उसने मीनाक्षी की बातों को आगे पीछे करके उसका उसने कुछ और ही मतलब बना दिया और मीनाक्षी को टीवी पर विलन बनाया। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ, मेरा पति एक कॉपी घर पे रखता था। हमारे यहाँ स्त्री प्रधान समाज हुआ करता था, जिसका जिक्र किताबों में भी है। घर और समाज के फैसले औरतें खुद लिया करती थी, यहाँ तक कि हर रात अपने लिए नया साथी भी चुन सकती थी। क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर से वही दौर आए? माना कि हमें कुछ भी करने की आज़ादी है, लेकिन हम गलत फायदा नहीं उठाते। हम अपनी आज़ादी की अहमियत जानते हैं और उसकी सीमाएं भी समझते हैं। जिससे हमारी और हमारे समाज की बदनामी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उनकी इज्जत करते हैं जो नारी शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये है ओरिजिनल मीनाक्षी। ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ बोलो। फेसबुक देखा क्या? नहीं तो क्यों? तो जाके देखना जरा। औरतों का गलत फायदा उठाना और उनका इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये मत भूलो कि हमारे देश को आजाद कराने में औरतों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पहले बात खत्म होने दो। चैनल ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मीनाक्षी के ओरिजिनल वीडियो को एडिट किया था। मीनाक्षी ने समाज को कुछ और मैसेज दिया था, लेकिन चैनल ने उनकी बात। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने ऐसा किया है। मैं जो कहती हूँ मुझे याद रहता है। मेरे पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ मीनाक्षी। सॉरी मीनाक्षी दीदी, आपकी हॉस्टल के नीचे आके बवाल किया हमने, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं। आप में सच बोलने की हिम्मत है, हैट्स ऑफ यू। देखा क्या? ये सब कैसे हुआ? ये सब अरविंद ने किया है। बोला कि सच सामने आना चाहिए, और फिर अच्छी बात है ना। हेलो हेलो, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। आंटी, आपसे कुछ कहना है। नहीं कुछ नहीं। हाँ, पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, उसके बाद किसी अच्छे से मॉल में चले जाएंगे। रेस्टोरेंट में काय को, मॉल में खाना मिलता है ना। मेरे अलावा और भी कोई क्लोज फ्रेंड है क्या? बिल्कुल नहीं, ना तुमसे पहले कोई था ना तुम्हारे बाद कोई होगा। अरविंद भाऊ, कायरा बाड़ा, धंधा पानी कैसा चल रहा है? पैदल जाने का, टैक्सी में आने का। तो अब तक घर क्यों नहीं गया? सिर्फ एक अजरा बाकी है तो अपनी बाइकों के लिए ले लेना। ये बाइको नहीं रे। अच्छा तो गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड के लिए ले लेना। अरे गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अच्छा तो खाओ खुजाओ, खुजाओ। अभी उसमें टाइम है। आई शपथ, मैंने नहीं सिखाया उसको ये सब, जरूर यूट्यूब से सीखा होगा। चलते। तेरे बाबा की दवाई का 5,000, सोयाबीन तरकारी और राई के तेल के डब्बे का 7,000, स्त्री और लॉन्ड्री का कपड़ा 2,500। समझ का पैसा कम पड़ रहा है। ये ले, जो भी खरीदने का रहेगा इसको घसीट देना। हा? लगता अरे पर किस पे घसीटू? क्या रे, पपैया की तरह मुंह क्यों सूजा है? यार आज माँ पे बरस पड़ा मैं। काय को? 30 दिन के पगार 15 दिन में खत्म हो जाती है। बाबा की चिल्लर भर कमाई में कभी पैसा कम नहीं पड़ा। मैं 3 गुना कमाता हूँ फिर भी कम पड़ता है। पैसे की कीमत गिर गई है या खर्चा बढ़ गया है पता नहीं, पर पैसा बचता नहीं है। ऊपर से अफसर लोग बोलते हैं घर को रजिस्टर होने में 6 महीना लगेगा। क्या 6 महीना? ए, तू तब तक काशी से अपनी बचा के रख, अच्छा रहेगा। तू भी अपनी बचा के रख, सुना है तेरी भी कुंडली निकालने में लगा हुआ है वो। तूने रफीक साहब का गाना सुना है? आ देखें जरा किसमें कितना है दम। अरे जो होगा देख लेंगे यार। अच्छा हाँ मैडम, ठीक है मैडम। सर मैं आई कम इन। आओ अरविंद। हाँ बोलो। सर सेल्स टारगेट हासिल करने की दौड़ में तेल निकल गया, हौसले की टंकी फुल करने के वास्ते तुम्हारे पास आया मैं। मैं भी अपनी खुद की टंकी फुल कर रहा हूँ। आपको भी लगता है क्या? ये फूड इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनियां हैं, सिर्फ आइसक्रीम को मार्केटिंग करने के लिए सारे रूल्स बदल डाले, फ्री में फ्रीजर बांट रहे हैं, छोटे से छोटे मार्केटिंग वेंडर को भी अपने जाल में फंसा लिया है। स्टार मसाला मिक्स औरतों को नजर में रखते हुए इंस्टेंट मसाला मिक्स मार्केट में ले आया। सो दे आर द विनर्स। हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी होगी और हमें उसी रफ्तार से उसका एक तोड़ लाना होगा। दैट इज मार्केटिंग। हाँ बोल पाकिया। ये अरविंद, काशी मेरे को मारने के लिए पीछा कर रहा है। तू है किधर? अपने गोडाउन में, तू जल्दी आ। देख मरते वक्त चिल्लाना नहीं। हाँ पाकिया भाई, ये क्या किया?
भाई काय को मारा? ए, क्या? ए, पकिया! ए, ए, पकिया! ए, पकिया! ए, पकिया उठ! ए, पकिया तेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा तेरे को भाई। ए, पकिया, 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 पकिया! कहाँ रे? अब तेज मस्ती वाले का मार रहा है। ए, काशी! तेरी गुलामी छोड़ दी इसलिए पाक्या को मार डाला। खून खराबे की कमाई से पेट भरने वाले आज तेरी आतड़ियां जमीन पर पड़ी होंगी। देख, जैसे ही वो शटर तोड़ के एंट्री मारेंगे तू दुनिया से एग्जिट कर देगा। तड़प तड़प के मार, हम गरीबों की हाय खाली नहीं जाती। मेहनत करने वालों के बाद गले काटे तूने। देख 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 कैसा केचुए की तरह रेंग रहे घिन आती है तुझसे। मरता क्यों नहीं है? मर और जाके नरक में सड़ पे यार। ए, पाक्या को मैंने अकेले नहीं मारा, तू भी उसमें हिस्सेदार है। काय रे, क्या बकवास कर रहा है? पाक्या को मारने की सुपारी तेरे बॉस ने दी थी। हम दोनों एक नाव की सवारी हैं, दोनों एक ही आदमी के लिए काम कर रहे हैं। गधे, सांप सूंघ गया क्या? अंदाजा भी है कि तू पब्लिक को क्या बेच रहा है। जिंदगी के बदले मौत, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे उन लोगों को खत्म कर देगा। देख अरविंद, मैं मौत का व्यापारी हूं, पैसे लेके लोगों को मारता हूं, लेकिन तू तो उन्हें जिंदगी देने का वादा करके बीमारी देकर मारता है। तेरा कुछ नहीं होता। तेरी कंपनी के जहर बेचने की वजह से कस्तूरी नाम की औरत ने अदालत में मुकदमा दायर किया। पक्या ने उसकी मदद की, वो लपेटे में आ गया। ए, इसका फोन निकालो। जयराम, तुम बच नहीं सकते, तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। इसलिए पक्या को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तेरी कंपनी ने मुझे दिया। कैसे? मैंने एक को टपकाया तो मैं कहलाया होनी दरिंदा, और तू हजारों को मार रहा है तो तू वफादार मजदूर। हम दोनों के हाथ खून से रंगे, बस एक ही फर्क है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट और तुझे टारगेट मिलता है। अबे, मेरे से भी बड़ा खूनी तू है। तूने लोगों के भरोसे का खून किया है। अगर मैं हराम की कमाई खाता हूँ तो तेरे घर में कौन सा हलाल का चूल्हा जलता? हमारे मालिक का फोन आ गया रे। कहां से? क्या हुआ? पक्या को खत्म किया? कर दिया। गॉड, 100 साल जिएगा, मरेंगे तो हम नरक में जाएंगे। अरे जा बेवकूफ, तो जा, आज अप्रैल फूल है बेवकूफों का दिन। इस साल का सबसे बड़ा बेवकूफ तू है। पूरी दुनिया ही गलत चल रही है, किस किस को सुधारेगा? जा उल्लू के बट्टे जा। चल, भाग गया भाई। दादा, हमारे उधर जाने से पहले उसने पाक्या को खत्म कर दिया। एक नंबर का गधा है तू। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी सैफ्रॉन अपने सारे प्रोडक्ट्स में जानलेवा केमिकल्स की मिलावट करती है।
ये सब मगजमारी से तू दूर रहे, हम सब संभालेंगे, समझ गया? तुमने इस वक्त मुझे फोन किया? मेरे को अभी तुमसे मिलने का। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आती हूँ। अंदाजा भी है कि तू पब्लिक को क्या बेच रहा है, जिंदगी के बदले मौत। हम दोनों एक नाव की सवारी हैं। हम दोनों के हाथ खून से रंगे हैं। बस एक ही फर्क है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट और तुझे टारगेट मिलता है। क्या बात है हथियार, रंग क्या है मेरे शेर? राजू का किलिंग में 100 का आंकड़ा पूरा हो गया भाई, आशीर्वाद दो। अबे तो पैर क्या छुरे ला, गले मिल मेरे से। मैंने अपने पूरे करियर में तुम्हारे जैसा टारगेट अचीव करने वाला एम्प्लॉई आज तक नहीं देखा। ये तुम्हारे लिए। सोचो, बस्ती के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे, बस्ती का एक भी बच्चा गलत राह पर नहीं चलना चाहिए। अबे मेरे से भी बड़ा खूनी तू है, तूने लोगों के भरोसे का खून किया है। आपका काम कर दिया मैडम, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ। कार्ड के ऊपर कंपनी का नंबर लिखा हुआ। आज अरविंद, मेरे को टीवी में बहू घर की रानी देखने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए इन्होंने ये स्टेबिलाईजर लगा दिया, अभी अच्छा दिखता है। पहले ऐसा लगता था टीवी में बहुत सारी मूंगी चल रही है, लेकिन है पूरे 4,000 का, मैंने कम करवा के 2,500 में लगाया है। मिडिल क्लास लोगों की सोच एक जैसी ही होती है, 15-20 तारीख को जरूरत की चीज बेचने जाएं तो भगा देते हैं, और वहीं पहली तारीख को हम फालतू की चीज भी बेचें तो खरीद लेते हैं। कल दिवाली है, सारी औरतें गहनों से लदी होंगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम ऐशो आराम वाली जिंदगी बिताएं, तो कल उन्हें लूटकर अपनी दिवाली और उनका दिवाला निकालना होगा। डर की छपरी के नीचे ही अपनी दुकान चलती है। हर इंसान लालची होता है, हमें उसी लालच का फायदा उठाना है। बॉस। हाँ? एक मिनट जरा अंदर आना। क्या हुआ सर? एक मिनट आओ ना। अरे चाय कॉफी की क्या जरूरत है, फिर कभी पी लो। बैठो। एलईडी के लिए स्टेबलाइजर बहुत जरूरी है क्या? हाँ सर, अगर वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ तो टीवी उड़ जाएगा ना। अच्छा। अरे अरे, हाँ बोलना। तू पहले एलईडी टीवी का सेल्समैन था ना? हाँ था ना। उसमें स्टेबलाइजर लगाना कंपलसरी है। मतलब ही नहीं है। पावर ऊपर नीचे हुआ तो टीवी शॉर्ट हो जाएगा। किस घटे ने कहा, कोई बेवकूफ बना रहा तुझे, येड़ा मत बन। अभी किधर है रे तू? पास में ही हूँ, चाय की टपरी पे। अपने सारे लोग वही है? हाँ। सबको लेके घर या? ठीक है। अब बोल, ये स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है, नहीं लगाया तो टीवी की जान को खतरा है। बीच में मत आ, मैं बात कर रहा हूँ ना। अंदर मार्केटिंग वालों पर हटी है मेरी, किल्ला ठोक दूंगा। बैठ। आपने अब बोल, ये जो स्टेबलाइजर लगाया ये टीवी के लिए जरूरी है? नहीं सर। जब जरूरी नहीं है तो कस्टमर्स को लूट क्यों रहा है? बोल। मंथली टारगेट का पंगा है सर। तू अपने टारगेट के लिए, मैं अपने टारगेट के लिए, एक दूसरे को ही लूट रहे। देखा जाए तो टारगेट पे हम लोग है, सब कंपनी के दल्ला बने हुए। अरविंद चुप हो जा। मैं इसको नहीं कोस रहा हूँ, अपने आप को कोस रहा हूँ। मैं इसके जैसा ही हूँ, आई हूँ ना तेरे जैसा। हो, हो, हो। तेरी भी ऐसी खोली है? हाँ बिल्कुल ऐसी। तो अपने घर में काय को लूटने को आया रे? जूते निकाल। जो बोल रहा हूँ कार। ओ तेरा लेफ्ट की तरफ से फटा है और मेरा राइट की तरफ से फटेला है। नया सॉक्स काय को नहीं खरीदा? इस महीने ज्यादा खर्चा हो गया इसीलिए नहीं खरीद पाया। इसलिए सॉक्स नहीं खरीद पाया? हाँ। तो कुछ तो खरीदा होगा। टीवी खरीदा ना सर, और ईएमआई पे फ्रिज और मोबाइल। फालतू चीज बेचने के लिए 1,000 सेल्समैन है और जरूरी चीज बेचने के लिए एक भी नहीं। एक है रे? सर एनर्जी ड्रिंक है, अभी मार्केट से लिया है। पानी गले से नहीं उतरता? क्या बात कर रहे हैं, इसमें 8 विटामिन है, 12 केमिकल भी है। तू तो सिर्फ खटमल है, मैं तो जानलेवा मच्छर हूँ। ये जहर है और इसे मैं फैला रहा हूँ। क्या हो रहे? इस शाने से मिलाने के लिए टीवी के लिए स्टेबलाइजर चिटका रहा था। क्या रे जात भाई, कोई चूना लगा रहा है? सेल्समैन होके सेल्समैन के घर चोरी करता है, स्टेबलाइजर बेचने के लिए यही मिला था। क्यों नहीं बेचेगा, क्यों नहीं बेचेगा? तू क्या करता है, हर महीने कंपनी बदलता है, घटिया से घटिया प्रोडक्ट को भी नंबर वन बोलता है। कस्टमर खुश रहे या दुखी, बस उसको चिटका दो। और इसको देखो, मोबाइल से महंगा उसका चोरी का इंश्योरेंस बेचता है, बड़े बड़े वादे करता है और बोलकर हंसता है कि चोरी होने पर सब लोग थोड़ी कंप्लेन करते हैं, और किए भी तो खाली 5% करेंगे, मतलब बाकी का सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और मैं इसकी शान पट्टी पर खुश हो रहा था। हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो बिना जानकारी के कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए निकल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों पे थोपते भी है, पर हमें यह एहसास नहीं है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं मेहनत से 10 रुपए कमाता हूँ तो कोई मुझे 20 रुपए की फालतू चीज चिपका देता है।
हे बगा, ये वाटर प्यूरिफायर इस नंबर को बेचा था, बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हर हफ्ते प्रॉब्लम आता है, ठीक कराने के लिए फिर खर्चा। ये टेबल देखो, गरीब आदमी के सपने जगाए, बोला बड़े लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते तो खरीद लिया मैंने। अमीर लोगों की नकल करने के चक्कर में रस्ते पर आ जाएंगे एक दिन। मेरे को समझ नहीं आता था कि अच्छा कमाने के बाद भी पैसा कम काय को पड़ता है। फिर मेरे को डाउट आया, कोई तो है जो जबरदस्त चैंडी लगा रहा है, कैसे सुख मिलेगा जब कर्म ही अच्छे नहीं है। है कोई ऐसा डायरिंग बाज जो खाली सच बोलकर प्रोडक्ट बेचता है? है कोई जियाला? हम लोग टारगेट नहीं बद्दुआएं अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे बनाने वाले से बेचने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कचरा भी बेचने को तैयार है तो बनाने वाला बिंदास जहर भी बना रहा है। अरे माफ करो रे बाबा, मेरे को इस झंझट से नहीं मांगता मेरे को ऐसा पैसा। तुम लोगों का तो पता नहीं पर मेरी आंखें खुल गई है। ए आई, वो घसीटने वाला डेबिट कार्ड दिया था ना, वो वापस कर। काइकू, बोला ना वापस कर। ये ना जा, इस पैसे से बहन की फीस नहीं भरेगा। अरविंद, कल फीस का आखिरी दिन है रे, कल फीस नहीं भरी तो उसको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। ये हाय के पैसे से एग्जाम देने से अच्छा तो फेल हो जावे। अरे तेरा डोका फिर गया है क्या? अरे तो क्या करूं मैं, क्या करूं? तू बोलती है घर संवारने के लिए काम कर, आज पता चला उसी काम से किसी और का घर उजड़ता है। समझ नहीं आता क्या करूं मैं, धचका लगा है मेरे को। माँ थोड़ा टाइम दे मेरे को। ए, कहाँ जा रहे तुम लोग? ए थांबा, अरविंद क्या हुआ, क्या हुआ बताओ ना कुछ। सब खत्म हो गया रे, पकिया को सुधारने की जिम्मेदारी ली थी पर उसके मौत का जिम्मेदार बन गया, और जिस काशी को मारना चाहता था उसको मौत के मुंह से बचा के ले आया, तो उसको मरवा डाला और दुश्मन को बचा डाला, अपनी ही नजरों में घिर गया हूँ। अरविंद तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम इस बस्ती के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, और इतिहास गवाह है कोई भी अच्छा काम करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं मुश्किलों से नहीं भागूंगा, मुश्किलों को दौड़ा दौड़ा कर भगाऊंगा। मैंने तुम्हें कितना टाइम दिया था लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा प्लान न्यू फेडरो को नंबर वन बनाने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सैफ्रॉन से टाइप करने का प्लान है। ये क्या कह रहे हो तुम, टाइप करने का प्लान है? हाउ इज इट पॉसिबल? मेरा बेटा इसे पॉसिबल बनाएगा। हाय मिस्टर स्टीव, शुरुआत करूंगा सैफ्रन के स्वॉट एनालिसिस से जो ये तय करेगा कि आपको एमडी से मिलना है या नहीं। आज इस बस्ती के तीन लोग मारे गए, सैयद और बाबू ने काशी के वास्ते जान गंवाई, और पाकि बेईमानी से ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए मेरे दोस्त पाकिया ने। मेरे को लगता था खाली बस्ती के लोग गलत काम करते हैं, पर शहर के नामचीन लोग उससे भी बुरे काम कर रहे हैं। कोई मेहनत से काम करना सिखाता है, कोई शाणपत्ती से काम करना सिखाता है, लेकिन कोई भी नेक काम करना नहीं सिखाता। मैंने सोचा कि अपनी माली हालत अभी सुधार लेंगे तो हमारे बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। गरीब आदमी क्या करेगा, उसके लिए तो दो वक्त की रोटी और दिवाली का बोनस ही जिंदगी है। तड़पता तो मिडिल क्लास है जो सपनों के पीछे मरता रहता है। एक मिडिल क्लास वर्कर बनके कुछ दिनों के लिए मैं उनके बीच खुद रहा ताकि उनकी मेंटालिटी को मैं समझ पाऊं। अगर डिस्काउंट मिले तो वो जहर भी पी लेंगे। हम में ये परख होनी चाहिए कि कौन सा बिजनेसमैन हमसे अपना उल्लू सीधा करवा रहा है। मेरे पिता भले ही एमडी थे लेकिन मैंने कभी उनका सहारा नहीं लिया, मैंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से खुद बनाई है। तब जाकर सिर्फ सैफ्रॉन कंपनी को ही नहीं बल्कि पूरे फूड इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझ पाया। गरीब गलती करता है तो उसे खुद भुगतता है, पर जब अमीर गलती करता है तो पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। अगर मेरा प्लान कामयाब रहा तो हम रोजाना उनके पर्स से 100 रुपया निकलवाएंगे। अनजाने में हो या जानबूझकर जो चीज हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाती है वो गलत ही है। कुछ देश की ताकत है बुद्धिमान लोग और कुछ की कमजोरी है बेवकूफ लोग। हमारे देश में ये लोग बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मैं बोला था मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सही बोला था, हम मेहनत करेंगे और कोई और आगे बढ़ेगा। आप विदेशी होकर हिंदुस्तानियों को इतना जानते हैं, फिर मैं तो यही कहूँ आपसे ज्यादा जानूंगा ना। गरीबी से निकलने के चक्कर में टारगेट और डेडलाइन के भंवर में फंसा दिया है, बचत और खर्चे का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। मेरी भी यही मजबूरी है, मैं भी गरीब है
पर मैं इस सिलसिले को तोड़ के रहेगा। आज से माझा टारगेट है इन लोगों को एहसास दिलाना कि विकास के नाम पे ये जिंदगियां उजाड़ रहे हैं। आज 1 अप्रैल है, मतलब अप्रैल फूल का दिन, और कोई मेरे को बोला था मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, मैं मानता है। पर 1 मई को मजदूर दिवस है और मैं साबित कर देगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा मजदूर है। अगली बार जब मिलेंगे तो आपको ऐसा ऑफर दूंगा जिसे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैंने कफन बांध लिया है। बाबा, एक बात पूछने का था तुमसे। बोलो बेटा। जिंदगी उथल पुथल हो गई है, ठहराव लाने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। वापिस पैरों पे खड़े होने के लिए मेरे को आपकी मदद चाहिए, इसलिए। काय पाई जी? महीने भर के लिए घर का खर्चा संभाल ले बाबा, एक महीने के लिए मेरे को पाल ले। अरे बस इतनी सी बात, मैं सब संभाल लूंगा। कस्तूरी मैडम। कौन है? आपसे बात करनी है, मैं पकिया का दोस्त अरविंद है। मुझे नहीं मिलना, जाओ। मैडम, मेरे दोस्त की मौत का और आपका कोई भारी कनेक्शन है, उसको जाने बिना जाऊंगा नहीं यहां से। आप दरवाजा खोलती है कि तोड़ डालूं मैं इसे। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स मेरे बेटे को अच्छे लगते हैं, होम डिलीवरी हो सकती है? एड्रेस बोलिए, हो जाएगा मैडम। पाटलिपुत्र गोरेगांव। सिद्धू अंदर जाके खेलो ना, कितना तंग करते हो। आ गए आप, बहुत पंक्चुअल है। हेलो पक्या, कैसे हो पक्या? मैडम मैडम। हाँ मैडम। मैं जरा बिजी हूँ, सामान दरवाजे पर छोड़ना, मैं उठा लूंगी। और गमले के नीचे पैसे हैं। मैडम मैडम क्या हुआ मैडम? आप ये सामान किसके लिए मंगवाती हैं? आपका बेटा तो मर चुका है, हर तरफ कैमरा लगा हुआ है, अपनी हालत तो देखो, आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे बताओ नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरे हस्बैंड की अचानक एक्सीडेंट में मौत हुई, मेरे पास मेरे जीने की एक ही वजह थी और वो था मेरा बेटा सिद्धू। उसे संभालते हुए खुद को भी संभालने लायक हो गई, लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके। वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा, मुझे लगा नॉर्मल बीमारी है। डॉक्टर ने सिटी स्कैन करवाया, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब पता चला कि उसे उसे कैंसर था। सिद्धू, ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, हम उसे नहीं बचा पाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ डॉक्टर? पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है, इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस, कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रांग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बच्चा कितनी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एटसेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था, लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ। ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए, वही सेहतमंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जिन देशों में हैं, उनमें हमारे देश का नंबर दूसरा है। कितने दुख की बात है, हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है, उसकी वजह से मर रही है।
अपने बच्चे के असली कातिल को सजा दिलवाने के लिए मैंने सैफरन कंपनी के ऊपर केस कर दिया। आपके पास क्या प्रूफ है कि सैफरन कंपनी का प्रोडक्ट खाने से बच्चे को कैंसर हुआ है? स्कूल में कुछ गलत खाया होगा या खाने पीने में प्लास्टिक का इस्तेमाल करता होगा या फिर हो सकता है आपकी सिंथेटिक साड़ी की वजह से हुआ हो। सबूत ना होने से कोर्ट ने मेरा केस डिसमिस कर दिया। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। तब मैंने फैसला किया कि मैं खुद सबूत इकट्ठा करूंगी। फिर मैं भी सैफरन के ही प्रोडक्ट्स खाने लगी, वही जहर जिसे खाके मेरे बेटे को कैंसर हुआ था। मैं सैफरन के प्रोडक्ट्स का पर्दा फाश करके रहूंगी। अपने ब्लड सेल्स में होने वाले बदलाव को मैं पूरी तरह से ट्रैक कर रही हूँ, पर इसके रिजल्ट्स आने में 4 महीने तो लग जाएंगे। शायद तब तक मैं इस दुनिया में ना रहूं। और इसीलिए 24 घंटे मुझ पर नजर रखने के लिए मैंने कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सैफरन के प्रोडक्ट्स एक स्टोर से होम डिलीवरी करवा रही हूँ। आज पहला दिन। ये लो मैडम, चेक कर लो। आज पहला दिन। अब मैं नहाने जा रही हूँ। बाथरूम में खाना नहीं है, पर किसी को शक ना हो इसलिए बाथरूम में भी कैमरे लगवाए हैं। क्या ये सबूत काफी होंगे? मैडम, मैं एक गली का गुंडा था। मैडम, मैंने बहुत से खून होते हुए देखे हैं, लेकिन आपका इस तरह खुद को मारना मैं नहीं देख सकता। मैडम, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पक्या नहीं रहा। कैसा समाज है हमारा कि एक माँ के हाथों अपने बच्चों की हत्या करवा रहा है। हर दिन अपने हाथों से उसे जहर खिला रही थी। मुझे यकीन था कि मैं अपने बच्चे को सबसे हेल्दी और बेहतरीन चीजें खिला रही हूँ, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी भी ऐसा करे तो किस पर विश्वास करें? सैफरन कंपनी को एक्सपोज किए बिना मैं नहीं मरूंगी। मैं मानता है कि आपके दुख को कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन आपको यह जहर रोज खाने को नहीं देगा। आप जैसी हिम्मत वाली औरतों की दुनिया को जरूरत है। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सर, पकिया के बारे में मैं कस्तूरी से बात करने गया था। क्या कह रहे हो? पहले मुझसे बात करना चाहिए था ना। मलम आई थी सर, उसके मासूम बच्चे की मौत की वजह हमारे प्रोडक्ट्स ही है, और यह बात साबित करने के लिए वो रोज हमारा प्रोडक्ट खाकर अपनी जान जोखिम में डाल रही है। और तो और उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। जयराम, तुम बच नहीं सकते। तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। उसकी हालत बहुत खराब है, किडनी वगैरह भी जवाब दे चुके हैं सर। उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा है। ऐसी कंपनी में काम करके अफसोस हो रहा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में कस्तूरी की मदद करनी होगी हमें। इस कंपनी को कोर्ट में ले जाएंगे। वो भी यही बोल रही थी सर, पर मैं जड़ से इलाज करना चाहता हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। कैसे सर? मेरे को जब किसी ने हत्यारा बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा। अगर हम मजदूरों को एहसास दिलाएं कि कस्तूरी के बच्चे के मौत के जिम्मेदार वो है, तो उनको भी बुरा लगेगा और वो कंपनी के खिलाफ बगावत कर डालेंगे। सर, आखिर ये जहर बनाने और बांटने का घिनौना काम मजदूरों के हाथों से तो करवाते। मजदूरी बदलाव की पहली सीढ़ी है सर। दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? लगता है मजदूर बदलेगा? मजदूर इसमें हमारा साथ देगा? वो बोलेगा कि नहीं सर, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तब क्या करेगा तू? अगर गलती से 2-3 मान भी गए तो उससे प्रोडक्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। बेवकूफी है, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। सर, पहले भी ऐसे ही मुद्दे पर अपना डिस्कशन हुआ है, जब आपने मुझसे पूछा था कि जो लोग टीवी नहीं देखते उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाए। मैं बोला मुमकिन नहीं, पर आपने मुस्कुराते हुए मेरे को देखा और बोला कि मार्केटिंग में नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सर, जब मार्केटिंग से लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, तो उन तक अपनी तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं। अपनी फालतू की बकवास बंद करो। ये उस औरत का वहम है कि हमारा प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है। मुझे दुख है कि मेरे साथ रहकर भी तू मार्केटिंग नहीं सीख पाया। मुझे उस कस्तूरी से सारे वीडियोस ला कर दो। एंड ऑफ डिस्कशन, गेट आउट। चल तो है। आज ऑफिस में कुछ अजीब बात हुई। एक 2 टके का मजदूर
मुझसे आकर ये कह रहा है कि ग्राहक की तकलीफ वहां काम कर रहे मजदूर से कैसे कही जाए। मैं तो शॉक्ड हो गया। अब एक कंपनी का मजदूर क्या ग्राहक से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा? कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। कोई फायदा नहीं होगा। मैनेजमेंट में बैठा हर ऑफिसर करप्ट है, उनसे बात करना ही बेकार है। और जो ग्राहक है आलस की ऐसी चादर ओढ़ा हुआ है कि वो खरीदना बंदिश नहीं करेगा। और हम जैसे नौकरी पेशा लोग टारगेट के चक्कर में अपने जमीर को थपथपा के सुला देते। अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो सिर्फ मजदूर है, उनके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे उनको क्या पड़ी है? वो आए, अपना काम किया, घर जाके सो गए। तुला कड़त नहीं का, चाहे मजदूर बोल लो या ग्राहक बोल लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिर में दोनों एक ही चर है। कुछ नहीं समझा। ड्यूटी के सिर्फ 8 घंटे के लिए तो मजदूर है, अरे अब बाकी टाइम वो क्या है? ग्राहक ही तो है। खाने पीने और बाकी चीजों की जरूरत उसको नहीं पड़ती है क्या? अगर उन लोग ये बात समझ गए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे बस का नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, फालतू बकवास मत कर। बरोबर बोला, कुछ नहीं होगा, ना हम सुधरेंगे ना कुछ बदलेगा, सब ऐसे ही चलता आ रहा है, चलने दो इसको। पर मैंने आदि सर से सीखा है कि मार्केटिंग में इतनी ताकत है कि आप कुछ भी बदल सकते हो। ये बात भेजे में पत्थर की लकीर की तरह छप गई है। अब चाहे मेरा गुरु मेरा साथ ना दे या कस्तूरी कमजोर पड़ जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लोग कल आराम से बात करें, अभी चलते हैं। मेरी बात सुन, एक बार क्या 10 बार सोच के देख लिया हमने। तेरे इस आंदोलन से ना ग्राहक को फर्क पड़ेगा ना मजदूर को। जब तुझे पूरी बात नहीं पता तो इसमें कस्तूरी को क्यों घसीट रहा है? उसे उसके हाल पे छोड़ दे, वो अपने हक के लिए खुद लड़ना जानती है। तू एक भी मजदूर को अपने मालिक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राजी नहीं कर पाएगा। हम लोग 200 साल से क्या पढ़ते आ रहे हैं? मैकाले एजुकेशन सिस्टम। अंग्रेजों ने हमें यस सर बोलना सिखाया और कठपुतलियां बना के छोड़ दिया। मेरी एक बात गौर से सुन ले, ये जिन मजदूरों की तू बात कर रहा है ना, ये इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के निकले हैं। इन लोगों को तू बदल लेगा क्या? हो ही नहीं सकता। अंधों की बस्ती में सुरमा मत बेचो। अरे मेले को क्यों बुलाया मीटिंग में? बहुत अच्छी स्पीच दी लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। क्या मजदूर से ये कहोगे कि काम मत करो? तुम वर्कर्स को काम करने से मना करोगे और वो तुम्हारी बात मान जाएंगे? ऐसा वो लोग नहीं होने देंगे। तुम्हें क्या लगता है अपने बकवास आइडिया से उसकी जान बचा लोगे? अरविंद काय आई ऐसे फुग्गे की तरह मुंह फुला के काय को बैठा है रे? जाना है, तेरे को नहीं समझेगा, चल जा। आई। बेटा उधर से मैं तुम लोगों की बातें सुनी, अगर तू मेरी बात का बुरा नहीं माने तो एक सलाह दूं। तुझे ये बात बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है पर मैं तेरे को बताएगी। जब तू 2.5 साल का था तब से मैं लोगों के घर के बर्तन मांज रही है। मेरा हर प्रकार के लोगों से पाला पड़ा। कुछ आदमी लोग मेरे ऊपर बहुत ही गंदी नजर डालते थे। उनसे मुझे घिन आती थी कि जिन लोगों को मैं अपना मालिक मानती थी वो लोग कितने नीच हैं। पर मैं काम से जी नहीं चुराई, ईमानदारी से काम किया। उनमें से एक आदमी ने जानबूझ करके मेरे बदन को छूने की भी कोशिश की। मैं अंदर से एकदम कांप गई। तब मैंने सोचा मुझे अपने काम के प्रति वफादार रहना चाहिए, ना कि अपने घिनौने और गंदे मालिकों के प्रति। जब मैंने उसे घूर के देखा तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसके बाद कभी मेरे सामने नहीं आया। वो मुझसे बुरी तरह डर गया लेकिन मुझको काम से नहीं निकाला। उसको लगा मैं ये बात उसके माँ बाप को, बीवी को, अड़ोस पड़ोस में सबको बता दूंगी। इसी बात के डर से जब मैं काम खत्म करके जाती थी तब वो घर में आता था। पता इससे क्या हुआ, वो मेरी पहले से भी ज्यादा दिल से इज्जत करने लगा। जानता है तुझे सब क्यों बता रही हूँ? अगर तू तेरा काम वफादारी से करेगा ना तो तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा बॉस भी कुछ नहीं कर सकता, तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो हम जो पगार लेते हैं ना वो अपने खून पसीने और मेहनत के लेते हैं, किसी के तलवे चाटने की और जी हुजूरी करने की पगार नहीं लेते हम। बेटा अरविंद कुछ गलत कहा मैंने? आई काय साला? आई बोलना बेटा। मेरी प्यारी आई, इतने दिन तक कहाँ थी तू? अरे क्या कमाल का आइडिया दिया मेरे को, मैं सब समझ गया हूँ। हर हर महादेव। आ,
आज मैं बहुत खुश है, आई ने मेरी आंखें खोल दी मजदूर की असली ताकत बता के। मालूम है वो क्या होती है? वफादारी, वफादारी। अगर वो दांव पे लग गई ना तो बड़े से बड़ा बादशाह भी घुटने टेक देता है रे। मजे के बाद कोई आंदोलन का जरूरत ही नहीं है, बस हल्के से बगावत के छींटे की जरूरत है और हम लोग मैदान मार लेंगे। जब चुल्लू भर कोल्ड ड्रिंक का छोटा सा फॉर्मूला दुनिया भर में मशहूर हो सकता है तो मेरा भलाई से बना ईमानदारी का फॉर्मूला दुनिया भर में क्यों नहीं फैलेगा? प्लान मेरा पूरी तरह रेडी है, बस शुरू करने का है और मैं शुरू करेगा अपनी इस कंपनी से। फिर मुझे देखकर सब मेरा तरीका अपनाएंगे और दुनिया की सारी कंपनियां सुधर जाएंगी। अगर मुझे आज तक कोई समझ पाया तो वो सिर्फ तुम ही हो मीनाक्षी। तुम ही बताओ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। मेरे लिए कस्तूरी आदि सर की बात मायने नहीं रखती, तुम्हारी बात मायने रखती है। तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं सबकी फाड़ के रख देगा, दोगी ना? हाँ अरविंद। क्या मैंने तुमसे कभी मदद मांगी? इस रास्ते पे तो मुझे अकेले ही चलना है। अगर हम लोगों की मदद के लिए ऐसे ही कतराते रहे तो इस दुनिया से भलाई उठ जाएगी और सिर्फ नफरत बचेगी। हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। कल सैफ्रॉन का फाउंडेशन डे है, बहुत बड़ा दिन है। लोकनाथ, जयराम की ड्यूटी खत्म, अब कल से तुम मेरे लिए जासूसी करोगे। मीनाक्षी, कल सैफ्रॉन कंपनी का फाउंडेशन डे है, इसका फायदा उठाना ही चाहिए। शुरुआत करेंगे सैंपल मार्केटिंग से। मंडली बनाने के लिए वर्कर लोग के हेड्स के साथ हमको चुआ मीटिंग करनी पड़ेगी। पांचों डिपार्टमेंट के हेड्स चाहिए। एक प्रोडक्ट को कुछ ही लोग वापरते हैं पर हमको बम्बू मिलता है कि सबको बेचो और पापी पेट के लिए बेच भी देते हैं। देखो, जिसको प्रोडक्ट की गरज होगी वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा और जो नहीं लेगा उसको हम झूठी तारीफ करके पीना देंगे। पर ये थर्ड कैटेगरी के लोग बहुत ढीठ होते, उन पर ऐड का असर ही नहीं होता, उनको रो धो के मनाना पड़ता है। सर प्लीज ले लो ना सर, घर में अंधी माँ है, बहन की शादी करने की, प्लीज ले लो। तब भी वो पिघलते हैं और अपन लोग भी यही तरीका अपनाएंगे, उनके सोए हुए जमीर को खड़बड़ा के झिझोड़ के जगाएंगे। जो इतनी गहरी नींद सो रहे हैं तेरे झंझोड़ने से नहीं उठेंगे, उनमें से कुछ उठना ही नहीं चाहते, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना ही कन्विंस कर सकते। ठीक है मित्रनो, कल किस्मत के चवन्नी उछालते हैं। जानी, आज सैफ्रॉन परिवार के फाउंडर्स डे पर हमारी शूटिंग कैंसिल हो गई, सोचा घर पर मक्खी मारने से अच्छा है यहाँ आकर आपका मन बहलाएं और कुछ पैसे कमाएं। सैफ्रॉन परिवार को फाउंडर्स डे पर मैं अक्षय कुमार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भी बधाई देता हूँ। खूब सुंदर, अप्रतिम अप्रतिम। सैफ्रॉन के फाउंडेशन डे के मुबारक मौके पर कंपनी के वर्कर्स, उनके फैमिली मेंबर्स और मैनेजमेंट के सीनियर ऑफिसर्स का तहे दिल से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सभी टीम्स के हेड्स को इस प्रोग्राम को इतने बड़े लेवल पर करने की अनुमति देने के लिए मैं सबका थैंक्स कहूंगा और दिल से धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, आभारिया है। एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि सैफ्रॉन के वर्कर्स कंपनी को सफल बनाने के लिए दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, तो आइए देखते हैं ये वीडियो। सैफ्रॉन आज जिन ऊंचाइयों को छू पाया है उसके पीछे सिर्फ मेहनती, ईमानदार और कर्मठ एम्प्लॉयज का हाथ है। अपने काम को भगवान मानने वाले, इस कंपनी को मंदिर समझने वाले वर्कर्स ने दिन रात कड़ा परिश्रम करके सैफ्रॉन का परचम पूरे देश में फहरा दिया है। आज हमारे देश में सैफ्रॉन नंबर वन कंपनी है, तो आप लोगों की ईमानदार कोशिशों की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जोश के साथ मेरे साथ मिलकर बोलो, वी आर द बेस्ट। मिस्टर स्टीव, व्हाट्स दिस? आप यहाँ कैसे? If I'm not wrong, हमारी मीटिंग किसी और जगह पर होना तय हुई थी। Excuse me, sir. आदि? आदि नहीं सर, अधिबन। अधिबन माधव, न्यू फेडोरा के एमडी का बेटा। हमारी पॉलिसीज जानने के लिए हमारे बीच तुमने एक जासूस रखा, लेकिन तुम्हारी कंपनी का दिवाला निकालने के लिए मैं खुद जासूस बन गया। सैफ्रॉन का कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे कंट्रोल में है, इंक्लूडिंग योर इन्वेस्टर्स। तुम्हारे लिए मेरी सबसे पहली चाल थी तुम्हें मिल्क प्रोडक्ट्स में कंफ्यूज करना। आई थिंक वी शुड डू दिस। थैंक यू सर। सैफ्रॉन के पास ना फॉर्मूला के राइट्स हैं, ना ही पेटेंट करवाने के। आगे जाने की लालच में तुम अंधे हो गए। तुमने जो 80 करोड़ इन्वेस्ट किए, समझ लो वो रुपए तुम जुए में हार गए। तो जयराम, तुम्हारे बुरे दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मौसम अच्छा है, गाँव चले जाइए सर। आदि,
ये तूने बहुत गलत किया। जयराम, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, इनसे हाथ मिला लो। आप सभी के लिए बुफे लग चुका है और बच्चों के लिए गेम्स का भी इंतजाम किया हुआ है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अगले पड़ाव के लिए तुम सब लोग तैयार हो जाओ। सर, अरे जरा मुस्कुराते हुए साइन कीजिए। इतना क्या सोच रहे हैं सर, साइन कीजिए ना। ये बात राज रखना कि मैं सैफ्रॉन का मालिक हूँ। अरविंद सर, प्लीज थोड़ी देर के लिए नीचे हॉल में आ जाइए ना। कोई खास वजह? कस्तूरी के बारे में। कोई सबूत मिला क्या? जी हाँ सर, कोई कदम उठाने से पहले आपकी राय लेना चाहता था सर। मैं आ रहा हूँ। डैड, अच्छी खबर है। सी यू जेंटलमैन। अभी आपने देखा कि किस तरह से लोग मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। अब देखते हैं वही मेहनत और लगन दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव लाती है। सर, आपके हाथों से प्ले कीजिए ना। सैफ्रन के प्रोडक्ट्स खा के मेरे बेटे को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कंफर्म किया, लेकिन ना कोर्ट ने ना ही किसी और ने इस पर यकीन किया, इसलिए मैं खुद। बहुत ही बुरा हुआ ना सर। हाँ अरविंद, इसे एक वीडियो से कंपनी बंद हो सकती है। सर, पर ये देखकर आपको इतना दुख हुआ तो सोचिए उनको कितना दुख होएगा। किसे? हमारे कंपनी के वर्कर्स को। उन्हें कौन बताया? मैं बताया, उन्होंने भी ये वीडियो देखा ना सर। मेरे साथ आइए, आइए। वीडियो रूम में किसी को आने मत देना, समझा? मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ, कम से कम उसे इंसाफ तो दिला सकती हूँ, तभी सुकून से मर सकूंगी। सैफ्रन ने केस जीता, कहा मरने की वजह प्रोडक्ट में मिले केमिकल्स नहीं है, लेकिन अब मैंने सबूत जमा कर लिए हैं। मैं भी वही जहर खा रही हूँ जिससे मेरा बेटा मर गया, ताकि दुनिया को सच दिखा सकूं और सैफ्रन कंपनी को हमेशा के लिए बंद करवा सकूं। अपने मासूम बच्चे के खातिर इस पर जो कुछ लिखा है प्लीज बोल दो। कंपनी के मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कंज्यूमर्स को, लेकिन वहाँ काम करने वाले वर्कर, वो लोग मेरा दर्द जरूर समझेंगे, उन्हें समझना ही होगा। मेरी कुर्बानी का मकसद है कि फिर किसी माँ के बेटे को इन प्रोडक्ट्स की वजह से कैंसर ना हो। क्या कहा था सर आपने? कि मैं इन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन आपके सिखाए मार्केटिंग स्टाइल से अपनी तकलीफ इन लोगों तक पहुंचा डाली। आपको नहीं बताया क्योंकि चाहता था आप खुद देखो। काय साला मंडली, बोलो वी आर द बेस्ट। कब चुप क्यों? आप बोलने की हिम्मत नहीं हो रही क्या? किस मुंह से बोले बेस्ट, क्योंकि हम तो वर्स्ट है। अभी थोड़ी देर पहले सब तालियां बजा रहे थे, आपके घर वाले खुश हो रहे थे, पर वो तालियां किस लिए थी? ऐसे मासूमों की जाने लेने के लिए? बोलने के लिए हम नेक और शरीफ लोग हैं, घर वाले प्यार करते हैं, समाज वाले इज्जत देते हैं, ऐसे काम करने के लिए दिमाग तो एक पैसे का नहीं चलाते। बस जो मैनेजर बोला तुम हिलाते हुए वही चुपचाप करते रहते। इतनी मेहनत इसलिए करते कि हमारे हाथ से बनी चीजें खा के बच्चे मर जाए। तुम, मैं, हम सब लोग इसके मौत के जिम्मेदार है। रे क्या कहना चाह रहा है, हम अपराधी है के? और नहीं तो क्या, एक एक आदमी गुनहगार है। कंपनी कैसे कमाती है प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट कौन बनाता है? हमारा लेबर डिपार्टमेंट, ये हमारा डैनियल, इसकी जिम्मेदारी खाली ढक्कन बनाना। ये योगेश, इसकी जिम्मेदारी बोतल बनाना। अपना शाहनवाज, ये बोलता मैं खाली मशीन चलाएगा बस। अरे तुम लोग ये नहीं समझते कि सबके योगदान से ये जहर फैल रहा है। मशीन ऑन करने से लेकर उस प्रोडक्ट की पैकिंग होने तक सब लोग जिम्मेदार है। ऐसे विभाग कामगारों के नहीं मुजरिमों के होते हैं। ए, इसने कस्तूरी का वीडियो मेरी वाइफ के मोबाइल पर भेज दिया। अगर मेरा तलाक हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझको। ए, घरवालों को क्यों बीच में ला रहा है? दिमाग खराब होगा तेरा। ओरे छोरे, इस वीडियो को देखने के बाद मारे बीवी बच्चे मारे बारे में केस सोचेंगे। मारी बीवी को मेरे से लड़ाना चाह रहा? रे बावड़ी पुछ, तेरे को गलतफहमी हो गई है। पहले क्यों नहीं बताया तेने? तूने इसके झापड़ क्यों मार दिया रे? भाई मैंने कुछ ना चाहिए तो बोले जान से मार दूंगा। तूने तो खून निकाल दिया। ठीक है भाई, तुम बोलते तो नहीं मारा। अरे भाई, माँ की कसम खाऊं के? चोट छोड़ो, चोट से तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ इस बात से हो रही है कि तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम्हारे घर वालों ने ये वीडियो देख लिया ये सोचकर तुम्हें डर लगा ना? मतलब तुम मानते हो हम गलत कर रहे हैं? जब तक घर वालों को पता नहीं था तब तक चैन से बैठे थे कि नहीं?
पर अब मालूम पड़ने के बाद चैन से नहीं बैठ सकते। घर वालों के सामने शर्मिंदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा जमीर अभी भी जिंदा है, इसलिए इसे रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे। जब ग्राहक कुछ खरीदता है तब बॉस हमें पगार दे पाता है। बॉस के प्रति वफादार रहना चाहिए, पर हमारा असली बॉस तो ग्राहक ही है, तो उससे वफादारी निभानी चाहिए कि नहीं? भाई साहब आपकी बात में दम है तो दसो क्या करें? तुम लोग बताओ। बोल भाई, स्ट्राइक तो तेरा भाई करा देगा। यहाँ तो चल हम लोग कोर्ट में चलते हैं, कंपनी सील करवाते हैं। और क्या तो सड़क जाम कर देते हैं, हमें कौन मना करेगा भाई? इतना राड़ा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सरल उपाय है। मारा आइडिया अच्छा न लगा के? फक्त दो दिवस, सिर्फ दो दिन सरकार के बताए मापदंड का उपयोग करेंगे, बिना बॉस की नजर में आए। अरविंद मतलब हम लोग बॉस की आंखों में धूल झोंके? देखा है खुद की गलती पर कैसा लांबी का पैच मार के अच्छा रिपोर्ट बना के बॉस को शेंडी लगाते हो ना? पिछले महीने जब सरकारी इंस्पेक्शन था तब रूल्स तुम इस लोग फॉलो कर रहे थे ना? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमारी नौकरी जा सकती है। किसी के नौकरी पर आँच नहीं आएगी। मेरे भरोसेमंद लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है वो इधर ही है, ये लोग इल्जाम अपने सर ले लेंगे। बरोबर ना भाव? अरे जब हम लोग बुरे काम के लिए जेल जा सकते हैं तो अच्छा काम करके जेल जाने में क्या बुराई है? तेरा मतलब है कि हम सबके सब अपना काम छोड़ के घर में बैठ जाए, बॉस से बगावत कर ले और फिर अपने घर वालों को पत्थर खिलाए? साहब आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाला था। सीनियर बनने की कोशिश मत कर। अरे सुन, मैं अपनी काबिलियत और ईमानदारी से यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरे रहते तेरी चाले कामयाब नहीं होंगी। मुझे रोक के, तुम्हें लगता है तुम अपनी नौकरियां बचा लोगे? मेरा दोस्त था पकिया, उसको इसी कंपनी सैफरन ने मरवाया। मैं खुद इस पर केस ठोकने वाला है, कम से कम 2 महीना कंपनी बंद रहेगी। चलो मानो मैं कुछ नहीं कर पाया, पर कस्तूरी चुप नहीं बैठेगी, वो केस जरूर ठोकेगी। कंपनी को बंद होना है क्योंकि पेपर में बदनामी होगी, मीडिया सवाल पूछेगी, घर वाले जलील करेंगे, यही चाहते हो तुम लोग? बिना वजह सबको क्यों डरा रहा है तू? 5 साल में सरकार बदलाव नहीं ला सकती, तू 2 दिन में लाके दिखाएगा, तेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग। सही बात कह रहे हो, 2 दिन में क्या होगा? घाबरू नका, अपना प्लान फुल प्रूफ है, भरोसा करके खाली 2 दिन मेरी बात मानो। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो कनाडा के माफिक मेरा लाल पानी निकाल देना, मैं उफ तक नहीं करेगा। अरे माँ कसम कह रहा हूँ ना मारा। इसकी बात में सच्चाई लग रही है, 2 दिन की तो बात है, करके देखते हैं। अभी तक हम गलत ही कर रहे थे, पर अब हमें गलती सुधारने का मौका मिला है। अरविंद, क्वालिटी डिपार्टमेंट मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग क्या कहते हैं? हम तैयार हैं। भाई मैं तो तैयार हूँ। अरे भाई मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। हम तैयार हैं भाई। तो कल से शुरू करेंगे क्या? तो आप सब हक से बोलो, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। हम लोगों को कुछ करना है। अगर ये 2 दिन चल गया तो आपके मार्केटिंग आइडिया से ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बहुत खूब। मैंने बोला था मैं वफादारी को हथियार की तरह उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। कस्तूरी का वीडियो दिखा के मजबूर करूंगा उन्हें, ऐसा चेकमेट करूंगा कि अच्छा प्रोडक्ट बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा उनके पास। पर सर आपसे छोटी मोटी मदद लगती रहेगी। छोटी मोटी मदद क्यों, बड़ी मदद मांगो। सच कह रहा हूं, ये जो तुम काम कर रहे हो ना, इंसानियत के लिए एक मिसाल है। आप देवता है सर। कस्तूरी जी ये देखिए, कंपनी के सारे वर्कर मेरे समर्थन में आ गए। अब कंपनी सिर्फ कंज्यूमर के हक के लिए काम करेगी। सिस्टम को बदलने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अरे विसर लो, ये कंपनी का मार्केटिंग हेड है मिस्टर आदि, मेरे गुरु है। मैडम अरविंद बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अब इसका जीतना तय है, अब आपको कोर्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मुझे तब खुशी होगी जब अरविंद सैफरन के खिलाफ केस जीतेगा। अगर अरविंद हार गया तो मैं लड़ूंगी। यह संघर्ष सिर्फ सैफरन कंपनी के लिए नहीं है, सैफरन तो सिर्फ एक सैंपल है। जीत तो तब होगी जब फूड इंडस्ट्री की टॉप की 5 कंपनियां सुधरेंगी, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। 5 कंपनीज? मैंने तो सिर्फ 4 का नाम लिया। सर आप न्यू फेडोरा का नाम लेना भूल गए थे, बहुत बड़ा डेंजर है उससे, उन्हें भी सुधरना होगा। 1 मई को फैक्ट्री से निकलने वाला प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास होना मांगता है, तभी अपनी जीत होगी। इतनी मुश्किल से सैफरन को टेक ओवर किया, एक ही झटके में सब वर्कर्स का दिल जीत लिया। मैंने वर्कर्स की आंखों में उसके लिए वफादारी की झलक देखी है, ये अच्छा नहीं हुआ। हमारे गुलाम बनने से पहले ही वर्कर्स को बागी बना दिया, उसने वर्कर्स को एहसास दिलाया मालिक से नहीं काम से वफादारी करो। हालात हमारे हाथों से फिसल रहे हैं, अगर ऐसे ही रहा तो लोबान बेचना पड़ेगा। उसे रास्ते से हटा दो। नहीं, रास्ते से हटाने से कुछ नहीं होगा, मैं उसकी सोच का गला घोटूंगा। तरक्की के राह में ऐसे लोग रोड़ा होते हैं,
कोई और होता तो उसे पॉलिटिक्स का सहारा लेकर कब का मसल दिया होता। लेकिन जिस शख्स को ईमानदारी और समाज सेवा का कीड़ा काट ले, उस जख्म को नासूर बनने में देर नहीं लगती। उसका जड़ से इलाज करना होगा। सैफ्रॉन ही नहीं, उसने फूड इंडस्ट्रीज की 5 कंपनियों में नई क्रांति लाने के लिए सिर पर कफन बांध लिया है। यही मौका है कि उसके साथ हर कदम पे रहकर उसकी चली हुई हर एक चाल को नाकाम बना दूं और फिर बॉस की सीट मेरी होगी। वर्कर्स ने मिलकर फैसला लिया कि कोई गलत काम नहीं करेंगे। खाने की चीजों को स्वादिष्ट बनाने के लिए ना ही हानिकारक केमिकल्स डालेंगे, ना ही सस्ता सामान डालेंगे, और गवर्नमेंट के बताए हुए नियमों का पूरा पूरा पालन करेंगे। प्लान के मुताबिक तुम्हें मैदे की 5 बोरियां भेजनी थी, तुमने 10 क्यों भेजी? 5 को इस्तेमाल कर लो और 5 को फेंक दो। अपने कंज्यूमर्स को हेल्दी, हाइजीनिक और शुद्ध प्रोडक्ट्स देने का खुद से वादा लिया है हमने। आज से मजदूर का मतलब सिर्फ रजिस्टर भरना नहीं है, उसका मतलब है अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना। ग्राहक आंख बंद करके हमारे सभी प्रोडक्ट्स पर विश्वास करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके भरोसे को बनाए रखें। अब टॉक्सिन का लेवल पहले जैसा ना है, उसको हमने ना के बराबर कर दिया है। अब बड़ों की बात तो छोड़ो, 2 साल का बच्चा खा लेगा। सर, एक्सपायरी डेट को बदलकर 6 दिन से 3 दिन कर दो। तुम्हारे बताए तरीके से ही हम लोग काम कर रहे हैं। हाय मैडम, कैसा है? बड़ा है, सब बराबर चल रहा है ना? 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। टॉक्सिन का लेवल कभी कम नहीं हुआ, हमेशा ज्यादा ही रहता था। ज्यादा टॉक्सिन होने की वजह से प्रोडक्ट खाने लायक नहीं रहता। कंपनी तो पैसे बना रही थी, लेकिन ग्राहक लोग अपनी जान गंवा रहे थे। अब हम लोग जो ये कर रहे हैं, ये बॉस की नजर से छुपा कर कर रहे हैं। जो भी असू चाले छे, तेरा काम पे ध्यान है क्या? नहीं, फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे, तेरे को पता नहीं है क्या? ऊपर वाला सब देख रहा है, चारे बाजू कैमरा लगा है। एमडी कभी भी आएगा, बी केयरफुल, काम चालू रखो, रातें गरबा में मलिए। सर, फैक्ट्री मैनेजर को अपना कैसे बना लिया? सर, आप मेरा गुरु, और आपने बोला था इमोशंस के बजाय प्रैक्टिकल माइंड से सोचने का। प्रैक्टिकल? सर, आप ही सिखाया, आप ही भूल गए। आपने बोला था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए ये कुछ भी करने को सकता है। इसे डायरेक्टर बनने का लालच दिया तो मान गया ये मेरी बात। ये बताओ, इसे डायरेक्टर कैसे बनाओगे? आपकी मदद से सर, आप एमडी के बहुत करीब है, और आपने तो बोला था छोटा मदद मत मांगो, बड़ा मदद मांगो। अरविंद, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से ब्रेड बनाना हो तो मैदे से ज्यादा आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने सेम टू सेम वही किया, आटे की खाली बोरियों में मैदा भरकर मैंने उनकी नजरों से छुपाकर एक जगह रख दिया था, किसी को भी पता नहीं चला। कल भी मैं यही करूंगा। तुमने 2 दिन का जो चैलेंज लिया है ना, वो पूरा हो जाएगा। सही है, अब सिर्फ 1 ही दिन बचा है। अरविंद, मैंने सभी बड़ी कंपनियों के यूनियन लीडर से बात की है। जो लोग क्वालिटी सुधारना चाहते हैं वो आज आ रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे तुम उनसे बात कर लो। ये है मिस्टर अरविंद। सर, मैं माधव, बेंगलुरु। थैंक यू सर। हेलो, आइए आइए, हेंसन चिकन कंपनी। आ रही है। हेलो सर, न्यू फेडोरा मिक्सिंग डिपार्टमेंट से, हम 4 लोग आए हैं। अरविंद, हम भी चाहते हैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स में केमिकल्स कम डालें, पर कैसे होगा ये? हमारी कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है, ये नहीं हो पाएगा। थामा थामा थामा, 1 मिनट, हमने जो किया वो आपसे करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो फिर आप लोग को एक सिंपल काम करने का है, कल आप लोग जब काम पर जाएंगे तो अपने कंधे पर एक सफेद कपड़ा रख कर काम पे जाना। क्या बोल रहे हैं ये? बोल रहे हैं तो एक बात बताओ, कपड़ा रखने से क्या कंपनी सुधर जाएंगी? साहब, भरोसा रखो, इतना ही काफी है। अगर किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे? हाँ, बोलने का मजदूर लोग का स्टाइल है। क्या कुछ भी बोलता है, ऐसा कभी होता है क्या? अरे अरविंद, मेरे को एक बात बता, ये कंधे पे सफेद कपड़ा रखने से क्या होगा? साहब, भरोसा रखा, बहुत कुछ होएगा, सिर्फ 2 दिन में फर्क पता चलेगा। सिर्फ 2 दिन? अरे इसकी डिमांड तो बहुत छोटी है, मैं अपने डिपार्टमेंट को 2 दिन के लिए इसके कहने पे काम करवा सकता हूँ। मैं तो तैयार हूँ भाई। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ।
वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो चिल्ली और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजू कावा, बल्ले बल्ले शावा शावा। तो दो दिन बाद मजदूरों का दिन है और उस दिन कुछ खास होने वाला है, उस बारे में हमसे बात करने आई है स्टूडियो में मीनाक्षी। नमस्कार, आज मैं एक खास इंसान के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। सर थोड़ा सा रेडियो सुनने को मांगता है। और उस खास और स्पेशल इंसान का नाम है अरविंद महात्रे। वो इस लेबर डे पर मजदूर साथियों के लिए कुछ अलग करना चाहता था और उसने वो कर दिखाया। उसका मानना है मजदूर मजदूर होता है, मजबूर नहीं। तो उन्होंने अपने साथी मजदूरों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि कंपनी में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें केमिकल सरकारी मात्रा के हिसाब से इस्तेमाल किए जाएंगे। और उनका दावा है कि आने वाले दिनों में पब्लिक को एक सुरक्षित और सेहतमंद प्रोडक्ट मिलेगा। पहले मार्केटिंग की और प्रमोशन चालू। सर कल बिना मिलावट के मस्त सामान बनेगा और पहली मई को मार्केट में पहुंच जाएगा। कल रेडियो पे इसकी चर्चा भी करेगा। अब तो मैं और आप ईमानदार मजदूर हुए ना। पर एक ही दिन बचा है और तुम व्हाइट कपड़ा रखने की बात कर रहे हो। सर अब तक मजदूरों से बात की, अब सीधा मालिक से बात करूंगा। सारे कंपनी के मालिक मेरा वेट कर रहे। ये कैसे हुआ? सर मार्केटिंग का पावर आप ही से सीखा है। भाव वो दास से हाथ मिला लेना। ए, उसी की वजह से खटिया पारो। कैसे हाथ मिलाओ? भाव मेरे खातिर। आजा ये देख, तेरी वजह से ही भाई बिस्तर पे है। भाई के बिस्तर पर ही तेरी अंतड़ियां बिखेर दूंगा। रुका काहे को? चल हथियार हटा, बच्चे की जान लेगा क्या? बदले की आग में झुलस रहा था, सुधरने का एक चांस दे इसे। फुटपाथ पकड़ के निकल जा, घर पहुंच के फोन करना। काजी दादा सत्य बोलता, बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें माफी दे दो दादा। दुर्गा मार कसम, तुम्हारे लिए हमार जिंदगी भी हाजिर है। अभी देखो इधर सभी एमडीज को उठा के लाया है, जो भी सवाल पूछने का पूछो। किए हुए घोटालों की लंबी लिस्ट में से बड़े बड़े जो है वो मेरे को बताओ। दास से डर के अपनी पोल पट्टी खोलते गए और फिर धमका के सबसे शर्तें मनवा ली। सब लोग मतलब उसमें न्यू फेडोरा का बॉस भी शामिल है? ओ उससे भी, उल्लू की तरह आंखें फाड़ रहा था। सुना है काफी नेक इंसान है। इज्जतदार है, समझदार नहीं, उसके अंदर हवस का छोटा सा कीड़ा है। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है पूजा डिसूजा, कई महीनों से उसका टकाटक लफड़ा चालू है। तो दास ने मिलन के टाइम पे एक मस्त पिक्चर उतारी है। कार का करो का? अच्छा अच्छा, वीडियो देखने का? देखो देखो मस्त है। नहीं, नहीं, अरे नहीं। दास तो बोल रहा था बहुत घमाघूम है। सर देखो ना अंकल, मैं बहुत दम है। अरे सॉलिड है रे, एकदम मस्त। अरे सर देखो ना, क्या हुआ? क्या करूं मैं? काय सर, आप तो बहुत ज्यादा शर्माते हैं। एकदम देव माड़ूस है। तो प्लान क्या है? सैंपल वन, उनके आने की वजह डर है। सैंपल टू, सैफरन की मिसाल देकर उनके डर को और बढ़ाएंगे। सैंपल थ्री, सफेद कपड़ा। सैंपल फोर, इमोशन। सीधा मुद्दे पर आता हूँ, आपके बनाए प्रोडक्ट्स में परमिटेड इंग्रेडिएंट के अलावा केमिकल्स होते हैं। गवर्नमेंट के ज्यादा से ज्यादा डाल रहे हैं, इसलिए वो जहर से कम नहीं है। आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। अरे जब फूड इंस्पेक्टर को कुछ नहीं पड़ी है तो तू बीच में क्यों कूद रहा है? साहेब फूड इंस्पेक्टर नहीं पूछेगा, ना ही सीनियर पूछेगा, पर मैं पूछूंगा। बोले तो एक मजदूर पूछेगा। एक और हिला देने वाली खबर दूं, इंडिया की नंबर वन कंपनी सैफरन मालूम है, उसमें बदलाव आ चुका है। अभी टॉक्सिन लेवल इतना कम है कि बड़ा आदमी तो क्या 6 साल का बच्चा भी खा सकता है। अच्छा काम करने के लिए हम किसी से नहीं डरते। एक कंपनी को सुधारने से पूरी फूड इंडस्ट्री सुधर जाएगी क्या? साहेब एक और हिला देने वाली खबर दूं, यह जो बदलाव है ना, तुम सबके कंपनी में चालू हो चुका है। मजदूर खामोशी से आंदोलन कर रहे हैं और उसकी निशानी उनके कंधे पर रखा सफेद कपड़ा। क्या वर्कर्स ने अपने कंधों पर व्हाइट कपड़े रखे हैं? हाँ सर, सारे वर्कर्स ने रखे हैं। अच्छा उनको पूछो ना, व्हाइट कपड़ा काय को रखा है? कंधे पे व्हाइट कपड़े का मतलब? कंधे पे व्हाइट कपड़ा क्यों रखा है? बस ऐसे ही सर। सर बोल रहे हैं ऐसे ही रखा है क्या? भीख मांगने की आदत जाएगी नहीं, ब्लैकमेल करके हमें लूटना चाहता है, कीमत बोल। साहब ये काम मैं पैसे के लालच में बिल्कुल नहीं कर रहा है। तुम जैसा बेईमान लालची आदमी नहीं बनने का है, ये सब तुम लोग को शोभा देता है। मैं मजदूर बन के खुश है, मेहनत से दो रोटी कमाना चाहता है, पर गलत काम करके नहीं। गवर्नमेंट के बताए रास्ते पर चलेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान होएगा, लेकिन हम जिंदा रहेंगे सर। सर देश की जनता को स्वस्थ रहने का अधिकार मिलना चाहिए। प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज। वेट कर बाहर, जाना मत, हम आपस में डिस्कस करके फिर तुझे बुलाते हैं।
सर देखा कैसा सबका विकेट उड़ा दिया, हाथ मिलाओ सर, मजा आ गया। मीनू को फोन करके बताता है। ओके सर। क्या चाहिए उसको? होशियारी मार रहा है, ऐसे बहुत देखे हैं हमने। तुम लोग बात को समझ नहीं रहे, लड़के की नियत में कोई खोट नहीं है। उसकी बात में तो हमें बहुत ही वजन लग रहा है। वो वर्कर्स को हमारे खिलाफ भड़का चुका है जो कि खतरनाक है। मार्च एंडिंग में मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे आदमी से झगड़ा मोल लेना सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मेरी कानपुर वाली फैक्ट्री बंद हो सकती है। बुलाओ उसे अंदर। हाँ, रेडियो के इंटरव्यू के लिए मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, चलेगा। ए अरविंद जल्दी आ। काय झाला सर? सब गड़बड़ हो गया, मैंने उनकी बातें सुनी। जानते हो वो क्या कह रहे थे? कि तुम एक नौटंकीबाज हो। सर मेरा प्लान एकदम फुल प्रूफ है, फेल होने को ही नहीं सकता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या कहा था तुमने, तुम बदलाव लाने वाले हो? कैसे लाओगे बदलाव? तुम कहोगे मैं सही हूँ, वो कहेंगे मैं सही हूँ। तुम कहोगे वो गलत है, वो कहेंगे कि तुम गलत हो। कैसे बदलाव लाओगे अरविंद? मैं तो कहता हूँ जो वो कह रहा है वो मान लो। आओ अरविंद, हमने तुम्हारी बात पे गौर किया। ये बंद करना टक। ए, तमीज से बात कर। ए, शुक्र कर जूता फेंक के नहीं मारा। सारे गिरे हुए लोग मेरे को तमीज सिखाएंगे। इसने चालाकी से ससुर की फैक्ट्री छीनी और तुमने अपने खुद की बेटी के प्रेमी को मरवा डाला। अब कोई बातचीत नहीं होगी। कल सुबह आऊंगा तो मुझे अग्रीमेंट के पेपर पर सबके सिग्नेचर चाहिए। नहीं मिले तो सबकी कारस्तानियों को सोशल मीडिया पर लीक कर डालूंगा। भाई ये ठरकी आवाज क्या पूजा रही? बेटी की उम्र की छोकरी के साथ बहुत नाचता है ना तू। पहला साइन तेरा ही होना चाहिए। गेम खेल रहे मेरे साथ। चलो सर। सुपर अरविंद। यह धमकी काम करेगी ना? 100% करेगी। थैंक यू सर, इसीलिए तो आपको साथ मिलाया था। अब क्या प्लान है? दूसरे दिन के सैंपल बन चुके होंगे, उनको चेक करने का है। तो क्या आप मेरे साथ अंदर चल के चेक नहीं करोगे कि अग्रीमेंट पे क्या लिखा है? सर सर सर, ये लिखत पढ़त का जो काम है तुम ही करो तो अच्छा है। तुम अच्छे से देख लो पेपर में क्या लिखा, मैं आकर साइन कर दूंगा। ओके ओके सर, ठीक है, चलता हूँ, मिलते हैं, बाय। तुम ही देव मानुस आए सर। तेरी वजह से कितनी बेइज्जती हुई हमारी। जानते हो मैं इतनी देर से चुप क्यों बैठा हूँ? उसकी असलियत जानता हूँ। अरविंद के साथ जो था वो मेरा बेटा है। बताओ। आपके वर्कर्स अरविंद के भक्त बन गए, उनकी मदद से अरविंद अब आपका जीना हराम कर देगा। आपने तो देख ही लिया वो कितना बदतमीज और बेहुदा इंसान है। आपके वीडियोस को वो कभी लौटाएगा नहीं। हो सकता है कि नेट पर भी डाल दे। लेकिन मेरे पास एक प्लान है सर, और यही प्लान मैंने सैफ्रॉन में भी अपनाया था सर, और हाल ही में वही प्लान सैफ्रॉन के एमडी ने न्यू फेडोरा को भी हैंडओवर किया है। सर वो एग्रीमेंट दिखाइए ना। ये देख। सैफ्रॉन को एक ही वजह से टेक ओवर किया था, नुकसान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन बदले की आग में मैं झुलस रहा था। अपने सारे शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, आपकी कल्पना से ज्यादा बड़ी रकम दूंगा। अगर तुम लोगों ने अपना डिसाइडिंग अथॉरिटी मुझे बनाया तो उसे रास्ते से हटाना मेरा काम। वो बिना साइन के मानेगा नहीं सर। इन्हें डिसाइडिंग अथॉरिटी बना दीजिए, वरना इज्जत और शोहरत के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। और रही बात वीडियोस की, तो उसे वापस लाने की गारंटी मेरी सर। अब तक जो काम हमने मालिकों की नजरों से छुपा कर किया, अब खुल के करेंगे। आज बिना मिलावट के प्रोडक्ट बनाने में बहुत मजा आया। चलती हूँ तो पैर कांपते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाता है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा। अरे पागल, पैसा पूरा दिया ना तो ऐसा बोल कि मैं इसे खा रही हूँ इसीलिए मरने वाली हूँ, ऐसा ही बोल। बोला सर। टीवी नहीं देखा आज? क्यों सर? एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सैफ्रॉन कंपनी का प्रोडक्ट खाने से मुझे कैंसर हो गया। बड़ी फूड कंपनीज को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाने वाले एक गैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये कस्तूरी के वीडियो की तरह है ना सर? तुम्हें नहीं मालूम था ना? ऑफिस पहुंचो, सब बताता हूँ। पुलिस ने एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो ऐसे वीडियो बना तो सेम टू सेम लग रहा है। सही कह रहा भाई। देखा तुमने, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कस्तूरी का वीडियो था। अरविंद कौन है? हाँ बोलो। सीईओ ने आपको बुलाया है? सीईओ ने? हाँ। ए, टीवी पे न्यूज देखी? झटका लगा ना, तुम्हारी वजह से वो सारी कंपनीज खरीद ली जिसमें सैफ्रॉन भी शामिल है। यकीन नहीं हो रहा, बहुत जल्द हो जाएगा।
तुम्हारी वजह से उन्होंने ये कंपनी मुझसे छीन ली। तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या? कस्तूरी को पैसे देकर झूठी कहानी से तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला और अपना उल्लू सीधा किया। तुम्हारा नया एमडी बहुत शातिर है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गधे कहीं के। आओ अरविंद। इतने हैरान क्यों हो? पुराने एमडी ने मेरी काफी तारीफ कर दी होगी। मेरे दोस्त अरविंद की वजह से मैं यह हासिल कर पाया। गुड जॉब अरविंद। गद्दार लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। फिर किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। आओ अरविंद। हे, तेरे जैसा फ्रॉड ना देखा मैंने? मारे विश्वास का खून किया है तेने। हम सबके सामने सफेद झूठ बोला। क्या कह रहा था तू? कैनेडी ने मारा लाल पानी निकाल दिया। अरे मैं भोंडसी का हूँ, मैं थारे चक्कू मार के दिल निकाल लूंगा। हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। स्टेला सर, इस आदमी ने तुम्हारी बहुत चुगली की है। एकदम सही मौका मिला है, जाओ और अपनी सारी भड़ास निकाल दो। एमडी से तुम्हारी प्रमोशन की बात मैं करूंगा, अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब। अरे जुमा जुमा, चार दिन हुआ है इसको यहाँ आए और हमारे सर पे बैठ रहा है। भाऊ ऐसा नहीं। अरविंद एकदम बेकसूर है, कोई फंसा रहा है इसे। इसके पीछे किसी की साजिश है, आप लोग मेरा यकीन कीजिए। जब से इसने इस कंपनी में कदम रखा है, ये हमारे साथ गेम खेल रहा है। बेवकूफ समझ रखा है हमें। तू क्या चाहता है कि हम लोग सब रस्ते में आ जाए, हमारे बीवी बच्चे सब भूखे मर जाए? क्या चल रहा है, क्या चला तेरे दिमाग में बता? हम मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, जाइए यहाँ से, चलिए। अरे बहुत हो लिया टाइम पास, काम धंधा कर लो। अरे चलो रे, आ जाओ आ जाओ। जैसे काम करते थे वैसे काम करो। अरविंद तुम उनसे दूरी रहो, उन्हें मैं समझा दूंगा। तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूं मैं। मेरे को तो लग रहा है कि सब कुछ लुट गया, पूरे सिस्टम को बदलने चला था। इन वर्कर्स को जागरूक करना चाहता था मैं, ताकि इन प्रोडक्ट्स को खाकर कोई इंसान बीमार ना पड़े। जानता था कि सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होएगा। मेरे दोस्तों ने भी मना किया था। जो इतनी गहरी नींद सो रहे हैं तेरे झंझोड़ने से नहीं उठेंगे, उनमें से कुछ उठना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने दोस्तों को भी दुश्मन बना डाला। स्टेला ब्रूस, मेरे को मालूम था कि मेरा असली दुश्मन उससे हाथ जरूर मिलाएगा। वो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बस इसी बात को चारा बना के भय का। और एक और कहावत है, दोस्त से ज्यादा दुश्मनों को करीब रखने में फायदा होता है। अभी भी बेशरम क्या खड़ा है? आदि ने कहा तुझे मारने के लिए, वो तेरा रक्षक नहीं भक्षक है। इस पे यकीन मत करना, यकीन मत करना इस पे। दोस्त बोल के दुश्मनी निभाई, क्यों दिया मुझे धोखा? तुम्हारी पूजा करता था, मुझे लगा तुम कृष्णा बनके मेरा मार्गदर्शन करेगा, पर तुमने तो अपने लोगों की पीठ पर खंजर खोप दिया। वर्कर होकर वर्कर लोग के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? बोला क्यों किया? वर्कर, ए, इन कंपनीज का मालिक बनना मेरे जन्म के वक्त ही तय हो गया था। नहीं समझा? आज समझाता हूं। सैफ्रॉन के नए एमडी बोर्ड में नया सीईओ अनाउंस करेंगे, जो कि और कोई नहीं उनका बेटा है, उनका इकलौता बेटा अधिबन माधव, और वो मैं हूं। तू बॉस है तो वर्कर के कीड़े मकोड़े जो ना मसल के फेंक देगा, इंसान के जान की कोई परवाह है कि नहीं? अरविंद, ये हकीकत की दुनिया ना सपनों की दुनिया से बहुत दूर है, समझा? यहां जो मालिक चाहता है वही होता है, और यही आजकल का चलन है। अपनी किस्मत खुद लिखना सीखो, मिलावट को नजरअंदाज करो, तभी बड़े आदमी बनोगे। लाशों के ढेर पर चढ़कर आगे बढ़ोगे? तुम बॉस लोग ने कभी खुद का बनाया जहर चक्कर भी देखा है क्या? दूसरों के लिए खोदी हुई कब्र में उतरने की हिम्मत है? अपने खाने के लिए तो ऑर्गेनिक फूड मंगाते हो, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स लाते हो, लेकिन देश की जनता को कचरा खिलाते हो ताकि तुम अपनी जेबें भर सको। बॉस बनके तुमने अपनी लाइफ तो सेट कर ली, पर गरीब को जिंदगी संवारने का एक मौका भी नहीं दिया। अब मौका मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। बहुत कर ली जी हुजूरी, अब नहीं करूंगा। बॉस होएगा तो अपने घर पे होएगा। सुधरना मुश्किल है। अब मेरी बात सुनो, 1 मई को मजदूर अपने बॉस को ताकत दिखाना चाहेंगे, और उस दिन मैं तुम्हें अपने मालिक होने का पावर दिखाऊंगा। और वैसे भी वर्कर्स की नजर में तुम एक गद्दार बन गए हो, और अगर मैंने
उन वर्कर्स का भरोसा नहीं जीता तो मुझे बॉस होने का कोई हक नहीं है। अब इस बाजी को जीतकर मैं उनके लिए उनका दयावान बनूंगा। देखना वो मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। बस कुछ ही पलों में वो वर्कर्स ही नहीं, तुम भी मुझे अपना मालिक मानोगे। सबसे पहले वर्कर्स को परेशानी में डालूंगा, उसके बाद उन्हें उसी परेशानी से निकालूंगा। और अगर तेरी ईमानदारी का कीड़ा फिर से सुरसुराया तो उससे मसल टालूंगा, और इसके लिए मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। अब तुझे वर्कर्स के साथ रहना है या मेरे साथ, चॉइस इज योर्स बेबी। बेस्ट ऑफ लक। तो ये रही पहली प्रॉब्लम की एंट्री। कम ऑन, आओ फूड इंस्पेक्शन करी लो। ये फूड इंस्पेक्शन की टीम है, दो दिन में जो सैंपल्स बने हैं ये उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसकी तुलना मेरे बनाए प्रोडक्ट से करेंगे। समझ रहा है ना क्या होने वाला है? चल यार नीचे चल के देखते। चलो मलिए पछी, गिफ्ट लेके बाद में आता हूं। वो प्रोडक्ट्स को लैब क्यों लेकर गए क्या आप ये जानते हैं? वो प्रूफ कर देंगे कि पिछले दो दिनों में बने प्रोडक्ट्स रूल्स के हिसाब से बने हैं, पर नया एमडी आने के बाद मिलावट हो रही है ताकि क्रिमिनल केस बने और कंपनी डूब जाए। ये सब आपके लिए अरविंद ने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत भला इंसान है। अरविंद मैं तुम्हारे साथ हूं, अब हम लोग क्या करें? अरे डरे मत, यो सब संभाल लेगा। एमडी मार ही नहीं रहे हैं, खुद को बचाने के लिए पूरे स्टॉक में आग लगा दिए। अपने साथियों को बचाओ। अरे तेरे मजदूर भाई जल रहे, जाना बचा उनको। चल तूने मजदूरों को मालिक के खिलाफ भड़काना सिखाया ना, देख मैंने तेरे उम्मीदों पर आग फेर डाली। जा रे बाबा बचा उनको, जा वक्त उसका है। ए मजदूर जा उनको बोल ये सब मैंने करवाया है। अरे गारंटी देता हूँ तू सफाई का साफ ही नहीं दे पाएगा। चल इतनी जल्दी क्या है, तेरी क्रांति के लिए एक सिपाही की बलि तो चढ़ने देना। ए मानुस मेरा पैर फंसा हुआ है। अरे हट 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 सामने से हट भाई, आजा आजा। अरे देख क्या रहा है उठाना। अरे चल 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 हट सामने से। क्या कहा था तूने? ये 8 घंटा वर्कर है और 16 घंटे कंज्यूमर है, पर मैं लाइफ टाइम के लिए इनका मालिक हूँ। चला है मुझे मार्केटिंग सिखाने तेरी तो। अरे अरे बाबू कैसे हुआ? अरे सर आपको ये चोट कैसे लग गई? उस एमडी को सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत गलत किया उसने। उसने जो भी बोला था मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए, एक बार फूड सैंपल्स टेस्ट हो जाए तुम सबको जेल भेज के रहूंगा, उससे पहले मैं स्टॉक को आग भी लगा दूंगा। आज के बाद कोई मुझे छू नहीं पाएगा। इस सबूत के जरिए हम उसे अरेस्ट करवा सकते हैं। आप सोच कर रहे हो? पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। हाँ हाँ जल्दी बुलाइए सर। हेलो सर, सैफ्रन ग्लोबल कंज्यूमर से आदि बोल रहा हूँ, यहाँ फायर एक्सीडेंट हुआ, जल्दी आइए। आधे घंटे में पुलिस डैड को अरेस्ट कर लेगी और वो 15 मिनट में छूट जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोलता है। सर जी कोई परेशानी है के? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग बाद में बात करेंगे। सर आपने कुछ कहा ना, मैंने आपका आइडिया अच्छा है लेकिन अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। सर आप बताने में हिचकिचा क्यों रहे हैं, बताइए ना। हाँ? कंपनी की भलाई के लिए ये कह रहे हैं कि कंपनी का मेजर कंट्रोल सारे वर्कर्स के हाथ में ही रहे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप इतना क्यों सोच रहे हो फिर? हाँ आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये कह रहा है कि कंपनी का सीईओ मैं बन जाऊं और मुझे ये गलत लग रहा है। सर जी इसमें गलत क्या है, आप पढ़े लिखे हो और आप कंपनी के बारे में जानते भी हो, हम तो चाहेंगे कि आप सीईओ बन जाओ। क्यों बहन जी गलत तो ना कहा मैंने? सर आपकी वजह से आज 50 लोग जलने से बच गए, आप हमारे लिए भगवान के जैसे हैं सर, आपको तो सीईओ बन जाना चाहिए।
ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मैं बोलता हूँ, ये भाई को सीईओ बनाने का तुम्हारा जो डिसीजन है वो हमको मान्य है, बराबर ने? बिल्कुल। वैसे यूनियन को कोई प्रॉब्लम तो ना है? हाँ, हम सब तैयार हैं। क्यों भाई लोग? तो मैं मान लूं कि मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानेंगे तो तब मुझे सीईओ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अजब मित्र अरविंद, मैं ही जानता हूं कि मुझे इस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए इसने कितनी मेहनत की, हालांकि इसका सपना धुआं बन के उड़ गया। इसके सपने भले ही अधूरे रह गए, लेकिन मैं जो बदलाव लाऊंगा वो परमानेंट होगा। आज के बाद कंपनी में गवर्नमेंट के रूल से ही प्रोडक्ट बनेगा। फायदे नुकसान की कोई परवाह नहीं, कंपनी बर्दाश्त करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह मानना होगा। इसको बोलते रे मार्केटिंग अरविंद, कि मच्छर भी मर जाए और कॉइल भी नहीं जले। आज तक सिर्फ ग्राहकों को बेवकूफ बनाया, अब मजदूरों को बेवकूफ बनाने की बारी आ ली। फिर से कफन बांध ले रे बाबा। मजदूरों का दर्द किसी को नहीं दिखता, उनको उनका सही मुआवजा नहीं मिलता। तो आज और इसी वक्त से तुम लोगों की सैलरी 3 गुना ज्यादा। पैसा 3 गुना होते ही ये गुलाम मजदूर मेरे सामने अपनी दुम हिलाएंगे। मिस्टर आदि, तुम्हारी सारी शर्तें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मंजूर है। आज से हमारी सैफरन कंपनी के नए सीईओ तुम हो। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। सीईओ बनने से पहले मिस्टर अरविंद की मंजूरी चाहूंगा। ये सबके सब गधे हैं, सपनों की दुनिया में सांस लेकर जी रहे हैं। अब मैं प्रोडक्ट में जहर भी मिलाऊंगा तो मना नहीं करेंगे। मजदूर ये सोच भी नहीं सकता कि मार्केटिंग के लिए मालिक मजदूरों से क्या क्या नहीं करवा सकता। मैं इन्हें गधे की मजदूरी देकर घोड़ों का काम निकलवाऊंगा। यह भी कोई पूछने की बात है, मैं भी यही चाहता हूं कि आदि सर हमारे सीईओ बने। मार्केटिंग की दुनिया बदलने चले थे, सैंपल के बल पे इतना बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, अब सबूत के नाम पर सिर्फ राख बची है। जा डीएनए करवा ले। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो दिन आ ही गया। अरविंद की मेहनत और कोशिशों की वजह से फूड इंडस्ट्री मजबूर हो गई है कि वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। हम अरविंद से पूछेंगे कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी है, और मुझे यकीन है कि आप सभी लिसनर्स उनकी कहानी सुनने के लिए बेकरार हो रहे होंगे। लीजिए अरविंद जी स्टूडियो में आ गए, वेलकम टू द शो अरविंद। तो बताइए इस मिशन की सफलता की कहानी आप ही की जुबानी। आप लोग मेरे को जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि मेरी कंपनी ये जहरीले प्रोडक्ट बनाकर बेचती है, जिसे लाखों लोग खाकर मर रहे, बीमार पड़ रहे। ये मौत का तमाशा मेरे को बंद करने का था, इसलिए मैंने अपने मजदूर भाइयों को एक किया और बॉस की नाक के नीचे अच्छा प्रोडक्ट बनाना शुरू करवाया। वो सैंपल्स मार्केट में लाके दुनिया को दिखाना चाहता था कि अच्छा प्रोडक्ट भी बन सकता है, पर यह साबित करने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है क्योंकि बॉस ने सब जला डाला। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे लगा वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंच गए होंगे। माना कि मैं प्रोडक्ट का सुधार वाला सैंपल तो नहीं ला पाया, लेकिन वर्कर लोग में जो सुधार आया है वो सैंपल से कहीं बढ़कर आए। अरविंद, मैं हमेशा मालिकों की बात मानता आया, पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हारी बात मानी। आज जब ड्यूटी पर आया तो सोचने लगा कि फिर से खराब प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन गलत काम करने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अपनी जमीर की आवाज सुनी और मिलावट नहीं की। अरविंद, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हम प्रोडक्ट में मिलावट करके कोई गलत काम नहीं करेंगे। मैंने मैदे की 5 बोरियां छुपा दी, आज जानबूझकर गलती की है मैंने, लेकिन मैं इसे कोई गलती नहीं मानता। अब इन हाथों से और मिलावट करूं मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैंने उन मासूम बच्चों के चेहरे देखे, वो तड़प कर मर रहे थे। आज मिलावट करने जा रहा था तो मेरा हाथ कांपने लगा। इतनी मिलावट तो नशा बेचने वाले लोग भी नहीं करते। सर, ये एक्सपायरी डेट में 3 दिन कम क्यों छपे हैं? मैं जरा पूछता हूँ, अरे ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है क्या? अरे भाई, मैं जानता था मालिकों की टेढ़ी दुम कभी सीधी ना होगी, इसीलिए एक्सपायरी प्रिंट करते समय एक्सपायरी डेट में 3 दिन घटा दिए ताकि नुकसान कम हो। यानी वो प्रोडक्ट जो 7 दिन बिकते हैं 3 दिन बिकेंगे भाई। पर कंपनी को पता चला तो? अरे बड़ी बड़ी कंपनियों में छोटी छोटी बातें तो होती रहे हैं, कुछ ना होगा। जो मजदूर एक बार मालिक के वफादार थे, अब वो ग्राहक के वफादार हो गए हैं। मैंने क्वालिटी चेक की है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही है। तूने एकदम सही किया। तूने भी सही किया मेरे भाई। और रेवाड़ी वाले भाई ने भी सही किया। और सिर्फ वर्कर लोग नहीं,
उनके साथ कंपनी के सारे सुपरवाइजर्स ने भी इस नेक काम में मेरा साथ दिया है। यक्षाणा कौवा बोला कि बदलाव लाने के लिए लोग इंतजार करते कि कोई आएगा और बदलाव लाएगा, पर बदलाव आता नहीं है, उसको पैदा करना पड़ता है और उसी से आती है क्रांति। मैं मार्केटिंग के जरिए एक अच्छा सैंपल लाना चाहता था, पर इंसानियत के जरिए मजदूरों ने मुझे ईमानदारी का सैंपल दे दिया, और इस सैंपल को ना कोई जला सकता है ना मिटा सकता है। क्या बात है, आपने हम सब की आंखें खोल दी। एक कॉलर है जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, विनोद बोल रहा हूँ सर, अरविंद का फ्रेंड। हाँ भाई बोल। पहले लगा ये अच्छाई का काम मैं ही कर रहा हूँ, फिर बाद में पता चला कि इस काम में मेरे बहुत से मजदूर भाई लोग भी जुड़े हुए हैं। दुनिया को बता दो कि सैफ्रन कंपनी अब अच्छा माल बनाती है। अरे मैं तो बोल दूंगा तुम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अरे डरने की बात ना है, वो हम वर्कर्स की वजह से सीईओ बना है। बॉस की कुर्सी का नशा ही अलग होता है, और बॉस बनने के बाद वो गद्दारी जरूर वो हमें धोखा ना देगा। अगर उसने धोखा देने की कोशिश की तो उसे हटा देंगे। अरे भाई लोग, तुम लोग कुछ ज्यादा ही भड़क रहे हो, रेडियो आदि सर भी सुन रहे होंगे। अरे किसे परवाह है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, सुनाई दे रहे आदि? हम ना डरते भाई। सुनाई दे नहीं रहा तो और जोर से बोलो। हमने कोई एकाए रे, इतना भी बुरा मानुस नहीं है, हमारी पगार बढ़ाई, याद नहीं हम लोग कितने खुश थे? पगार बढ़ाई तो क्या, हमें खरीद लिया क्या? हम लोग अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, और हमें जो 10 साल कम पगार पे काम करवाया उसका क्या? एक नंबर भाव। इरादा तो लोगों की सेहत को सही करने का था, पर उसके साथ साथ गम्मत देखो, लोगों की सोच भी सही होने लगी है। मेरी सभी ग्राहकों से दरख्वास्त है कि मजदूर लोगों की इस मेहनत की इज्जत करें, मान दें, कद्र करें, उनकी तरह खुद में भी बदलाव लाएं। जो लाखों करोड़ों लोग मेरे को इस वक्त सुन रहे हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए कि वो सिर्फ ग्राहक नहीं, कहीं ना कहीं वो भी एक वर्कर है, तभी हर लेवल पर बदलाव आएगा। आपकी कंपनी के वर्कर आसानी से मान गए, क्या आपको लगता है कि दूसरी कंपनी के साथ भी यही होगा? होएगा। जनता की किस्मत एक पॉलिटिशियन तय करता है, और उस पॉलिटिशियन की किस्मत एक बिजनेसमैन तय करता है। अगर वो बेईमानी करता है तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये नौकरी होती क्या है, मेहनत के बदले में मजदूरी लेना। लेकिन उस मेहनत से भी एक बड़ी चीज होती है जो हम उन्हें देते हैं, वो है वफादारी। और ये वफादारी सारे फसाद के जड़ है। बेवक्त काम करना, गलत काम करना, थुकपट्टी का काम करना, ये सब कराया जाता है वफादारी के नाम पे। लालची बेईमान बॉस की वफादारी निभाना मतलब करोड़ों ग्राहकों का विश्वास तोड़ना। नेक ईमानदार बॉस मिले तो उसके लिए अपनी जान दे दो, लेकिन अगर कोई हलकट मिले तो उसकी चाकरी नहीं करने का। लेकिन ये सब होगा कैसे? सबसे पहले तो वफादारी का असली मतलब समझना पड़ेगा। बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं है, छोटी सी बगावत भी काम करेगी। ये बात मेरे को मेरी आई ने सिखाई थी, और इसका ट्रायल अपनी कंपनी पे किया, बाद में दूसरी कंपनी के वर्कर्स को छोटी मोटी बातों पर ना कहने के लिए राजी किया, और वो सफल रहा। जब बॉस लोग ने देखा कि वर्कर उनकी नाफरमानी कर रहे तो उनके चेहरे देखने लायक थे। इसीलिए बोलता हूँ बड़ा कदम नहीं उठाने का। गलत बात पे बस ना बोलना सीखो। नहीं बोल सकते तो बात को फैला दो। बात को फैला दो, आपका मतलब है गॉसिप? आपको लगता है कि इतने बड़े मुद्दे पर सिर्फ गॉसिप करने से कुछ होगा? 100% होएगा। खाली 10% लोग सच में अच्छे होते, बाकी के सब खाली अच्छा बनने का ढोंग करते, और उन्हीं को अपनी बदनामी का सबसे ज्यादा डर होता है। इसलिए गॉसिप करो, पर मुद्दे पे, इधर उधर की भंकस करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसी बातें करो जिससे एक दूसरे को हौसला मिले। अगर एक भी मजदूर सीमेंट में रेत मिलाने से मना कर दे तो कोई भी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन करने पे जोर देते हैं। नर्स चाहे तो पेशेंट को होशियार कर सकती है, और जिन मालिकों के लिए हम आंख मूंद कर वफादारी निभाते हैं वो CCTV से हम पर नजर रखते हैं। अगर उसके कान तक बात पहुंचेगी कि हमें उसकी हरकतें पसंद नहीं आ रही है, तो बॉस भी गलत काम करने से पहले सोचेगा, और हमें भी करने से रोकेगा। उसकी गलत हरकतों पे इतनी चर्चा करो कि बदनामी के डर से वो अपने आप सुधर जाए। जरा गौर से सोचो, ऐसा किया तो उनके घर वाले भी उनकी इज्जत करना छोड़ देंगे। जब बॉस मजदूर के दिल में अपना डर कायम रखना चाहते हैं तो हम क्यों पीछे रहें? कम से कम हमारा डर मतलब ही नहीं भलाई के लिए होगा, इसलिए खूब बात फैलाओ। लेकिन ऐसी बगावत से कंट्री के बिजनेस और इकोनॉमी पे असर नहीं होगा? अगर ग्राहक खरीदना बंद कर दे तो कंपनी को अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। इकोनॉमी चलती कैसे, डिमांड और सप्लाई पे। जिसकी डिमांड है वो सप्लाई करो तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। ये जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदलाव ला सकते हो, तो ठीक रात को 12 बजे अपने घर की बत्ती चालू करने का। वो रोशनी अंधेरे को ऐसा काटेगी कि कोई भी बेईमान हमें फिर अंधेरे में ले जाने की जरूरत नहीं करेगा। अरे पब्लिक एक होगी तो कोई माइका लाल सामने खड़ा नहीं होगा। मुट्ठी भर बिजनेसमैन है जो पूरे सिस्टम पर हावी होकर बैठे, जैसा चलाते हम चलते, पर हम उनके इशारे पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम बिखरे हुए। लेकिन एक हो जाए तो हमारा कभी कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। फिर ये नहीं बोलना अगा वो तो कितना ताकतवर है, उसका सामना हम कैसे करेंगे। लाइट चालू करके अपने अंदर हिम्मत भर लो।
अगर नौकरी से निकाल भी दिया तो दूसरा एक भी वर्कर नहीं मिलेगा। ढूंढने दो, आज ये लाइट क्रांति की मशाल बनेगी। मेरे को नहीं मालूम कि मेरे को कितने लोग सुन रहे हैं, ये भी नहीं मालूम कि कितने लोग मेरी बात मानेंगे, पर मराठा एक आखिरी बात बोलेगा। मेरे को अपनी बात साबित करने में एक महीना लग गया, पर आपको बत्ती जलाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। मुझे जनता पे पूरा यकीन है कि आज वो पूरे शहर को रोशन कर देगी। ऊपर वाला उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। कस्तूरी, अरविंद कहाँ रह गया? बेटा नाश्ते में क्या खाएगा तू? हाय, मेरे को नहीं मालूम, तू बोल। मैं वड़ा तल दूंगी, तू पाव ले आना। ए, तुम्हारे दोस्त पहाड़ पे गए हैं, कम से कम छत पे तो चले जाओ। इधर लेटे लेटे कैसे पता चलेगा? अरे बाबा, वो सब छोड़ो और बैठो आराम से। इतना टेंशन के चला रही? मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया बाबा, अब जनता पे है वो अपना हक अदा करती है या नहीं। कहीं सो ना जाएं, इस डर से अलार्म लगा के बैठे थे। यस! क्या बात है? लेकिन हमको सिलेक्ट किस बात पे किया वो तो बता दो ना सर। तू वक्त को अपने हिसाब से मत बदल, अपने हिसाब से वक्त को बदल दे।